Yes. Good morning, everyone. Good afternoon, okay. ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले, ये place of supply को ignore कर दो। अभी तक जितना हमने GST पढ़ा है, registration तक, ये पूरा का पूरा GST लगभग 30 मार्क कवर करता है, including theory। और बाकी जो chapters है वो लगभग 15 से 20 मार्क के आते हैं, 15 मार्क्स के आसपास, बट उसके अंदर पूरी थियरी आती है ऑलमोस्ट। एक आध चीज ऐसी है जैसे रिवाइज्ड इनवॉइस या फिर इनवॉइस कौन सा अपलोड करना है, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है वो, बट वो 10 में से एक अटेम्प्ट में आता है। तो जो 25 से 30 नंबर का जीएसटी है उसको मैंने कंपाइल कर दिया है ये अगले 48 क्वेश्चंस के अंदर। इन क्वेश्चंस में आपको ये देखने मिलेगा कि भाई जो जो चीजें हमने सोची थी कि जिसपे इसपे क्या क्वेश्चन बन सकता है प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां बन के मिलेगा आपको सामने। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेशन, मेरे को लगता है 2 सेशन लगेंगे अपने को इतने क्वेश्चंस खत्म करने के लिए। इसमें अपन प्रॉपरली लिख के देखेंगे, प्लस आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि भैया जब मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे रखूं सामने, मैंने इसका फॉन्ट जानबूझ के बड़ा कराया ताकि आपको दिखे, आप इसको पहले खुद से पढ़ो फिर इसको मैं लिखूंगा। ये नीचे जगह दे रखिए, यहां पे अपन इसको लिखने वाले हैं जैसे अपने को एग्जाम में लिखना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भैया जितने चैप्टर्स हमने कर रखे, जैसे हमको लगता था कि बाप रे एग्जाम्पशन में तो हर ही चीज पे क्वेश्चन आएगा, वैसे थोड़ी होता है, इतने एग्जाम्पशन याद रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है किसी के लिए। तो जो पर्टिकुलर चीजों पर क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, प्लस इसके अंदर से कोई भी पेपर खोल के देख लो कम से कम 20 नंबर, ये 48 क्वेश्चंस में से कम 20 मार्क का पेपर हर एक अटेम्प्ट में आपको मिल जाएगा, हर एक अटेम्प्ट में। तो ये 48 क्वेश्चन अपने आप में 20 मार्क्स कवर करते हैं, क्योंकि ये 48 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड, ऑलमोस्ट हर एक चीज। यहां मैंने 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन मेजरली कंपाइल करे हैं, एक है वैल्यू ऑफ सप्लाई, दूसरा है ITC और तीसरा है पेमेंट ऑफ टैक्स। अब पेमेंट ऑफ टैक्स अपन ने ITC के साथ में 49(5) में पढ़ा था, याद है आपको, ITC में सेक्शन 49(5) पढ़ा था अपन ने कि IGST को पहले यूटिलाइज करना है, फिर IGST खत्म होने के बाद CGST SGST को यूज करना है, वो सारी बातें, तो वो यहां पे काम आएगा। अब एक फ्लो समझो जीएसटी का क्या, सप्लाई है, जीएसटी लगेगा, ठीक है, जीएसटी लगेगा, तो आप डीलर कौन से हो, नॉर्मल डीलर हो, कंपोजिशन डीलर हो, गुड सर्विस दोनों जो आदमी देता है वो कंपोजिशन डीलर बन नहीं सकता। अब अगर आप नॉर्मल डीलर हो तो जो आउटवर्ड सप्लाई आप कर रहे हो उस पर आप जीएसटी कलेक्ट करोगे, ये जीएसटी आपको गवर्नमेंट को पे करना है, तो आउटवर्ड सप्लाई जो हम कर रहे हैं क्या वो टैक्सेबल है या नहीं है, ये समझने के लिए एग्जम्पशन का काम है। अब आउटवर्ड सप्लाई अगर टैक्सेबल है तो आपको एक क्वेश्चन में दिए रहेंगे 5-6 सप्लाईज, जिसमें से 4 टैक्सेबल रहेंगे, 2 एग्जम्प्ट रहेंगे, या 3 टैक्सेबल रहेंगे, 3 एग्जम्प्ट रहेंगे, वॉट एवर द केस में भी। ठीक है, तो कुछ मल्टीपल सप्लाईज आपको दिए रहेंगे, उसमें से कुछ एग्जम्प्ट रहेंगे, कुछ टैक्सेबल रहेंगे, तो यहां पे आपको एग्जम्पशन का नॉलेज रिक्वायर्ड है, बराबर है। अब ये अलग अलग महीने में करे हुए है, कभी बोल दिया एडवांस है, कभी बोल दिया इनवॉइस नहीं मिला है, कभी बोल दिया इनवॉइस मिसिंग है, तो यहां पे हमको टाइम ऑफ सप्लाई भी समझना चाहिए, हमको ITC भी समझना चाहिए। अब एक बार सब कुछ समझ में आ गया कि भैया ये सप्लाई बराबर है, इस पे GST हमने कलेक्ट करा है, ये हमको लायबिलिटी पे करनी है, तो कुछ परचेसेस दे देंगे आपको, जिसका इनवॉइस नहीं रहेगा तो उसका आप ITC नहीं ले सकते हो, या आपने अभी पेमेंट कर दिया है बट गुड्स या सर्विस रिसीव होने के है तो अभी तक उसका आप ITC नहीं ले सकते हो, इंस्टॉलमेंट में है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है ITC नहीं ले सकते हो, आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया GST का आप ITC नहीं ले सकते हो, ऐसे ये 4-5 जो केसेस है उसमें से एक आध केस आपके परचेसेस के लिए एप्लीकेबल होगा, तो उसका ITC आप नहीं ले पाओगे, बाकियों का ITC आप ले लोगे, बाकियों का ITC आप ले लोगे। अब एक बार ये डिसाइड हो गया कि भैया GST पे करना है, किस किस का आपके पास ITC पड़ा है, साथ में एक और चीज दे देंगे ओपनिंग बैलेंस, ITC का आपके पास इतना इतना ओपनिंग बैलेंस है, तो टोटल ITC आ गया, टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आ गई। अब एडजस्ट करो, IGST पहले खत्म करना है, ITC ऑफ IGST याद है ना आपको, IGST का ITC मे बी मस्ट बी एग्जॉस्टेड फर्स्ट,
पहले आईजीएसटी को आईजीएसटी से यूज करो, फिर सीजीएसटी या एसजीएसटी से किसी भी प्रपोर्शन में, फिर उसके बाद में सीजीएसटी को अपना, पहले क्या करना है अपना देखना है, बराबर है तुमको? हाँ, तो सीजीएसटी को सीजीएसटी से यूज करो, एसजीएसटी को एसजीएसटी से यूज करो। अब अगर आपको आईजीएसटी पेबल है, आईजीएसटी का क्रेडिट खत्म हो गया, आपको आईजीएसटी पे करना है, आपके पास सीजीएसटी भी है एसजीएसटी भी है, तो पहले किसको अप्लाई करते हैं? सीजीएसटी को। क्यों? क्योंकि सेंटर सेंटर वाला है, एसजीएसटी सीजीएसटी का क्रॉस नहीं चलता। तो ये सारी बातें, इतना एक पूरा प्रॉपर टोटल कंप्यूटेशन का क्वेश्चन बनता है 10 मार्क का। जैसे इनकम टैक्स में 10 मार्क का टोटल कंप्यूटेशन का क्वेश्चन बनता है, वैसे ही जीएसटी में भी 10 मार्क का कंप्यूटेशन का क्वेश्चन बनता है, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। इसमें सिर्फ पेमेंट का चैप्टर नहीं आता, इसमें आता है एग्जम्पशन, इसमें आता है आईटीसी, इसमें आता है कंपोजिशन डीलर, नॉर्मल डीलर, बहुत सारे लेसन। अब वो सारी चीजें यहां पे अपन क्लियर करेंगे। आज के सेशन में अपना मकसद क्या है, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी बता रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनो। आज के सेशन में मकसद यह है कि 48 क्वेश्चंस करने के बाद आपको छुट्टी मिलेगी। 48 क्वेश्चंस 2 घंटे में हो, 48 क्वेश्चंस आधे घंटे में हो, या 48 क्वेश्चंस 6 घंटे में हो, टाइम टू टाइम ब्रेक मैं दूंगा। ये 48 क्वेश्चन करने के मतलब, आज जब आप घर पे जाओगे तो आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे कि भैया 20 नंबर तो मेरे पक्के हैं जीएसटी में। और ऐसा नहीं बोल रहा हूं डंके की चोट पे, बोल रहा हूं खुले में, कोई भी पेपर निकाल के देख लो, इसमें से ही क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। और यही ये क्वेश्चंस, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पास्ट एग्जाम है, पास्ट आरटीबी है, आईसीआई है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, तो ये सारे कर लेंगे तो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब स्कीम क्या रहेगा, मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन दूंगा, इसमें आंसर नहीं है, ठीक है? ये क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ोगे, पीछे कुत्ते लगे हैं ऐसे नहीं पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। पढ़ने के बाद पूरा का पूरा जीएसटी दिमाग के अंदर आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो मतलब अपन वो पॉइंट पे लैक कर रहे हैं। यहां से अपना एक टेस्ट भी होगा और उसके बाद में अपन इसको लिखेंगे, क्योंकि बहुत से बार ऐसे हो जाएगा कि आ तो रहा था सर पर लिखूं क्या, ये समझ नहीं आ रहा था। तो अब हम वो स्टेज पे आ चुके हैं कि अब आप पूरा का पूरा लिख सकते हो। और एक और चीज, इसी सेशन से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भैया जो बचे हुए थ्योरी चैप्टर्स है ना, छुटमुट चिंगे पुंगे, अगर वो मेरे नहीं भी हुए तो मेरे प्रैक्टिकल पे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला है। और थ्योरी क्वेश्चन की थ्योरी वाली सेशन एक ऐसे ही ले लेंगे, तो दो सेशन हो जाएंगे। आज का मकसद यही है, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनसे भी गुजारिश है कि सेम चीज आप भी फॉलो करें। मैं आपको एडिक्वेट टाइम दूंगा सोचने के लिए, ऑनलाइन में आपको वीडियो पॉज करके करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन की सिक्वेंसिंग, क्वेश्चन के नंबर सब असड़ भसड़ है, उस पर फोकस नहीं करना है। सर ऊपर प्लेस ऑफ सप्लाई लिखा है, अबे नहीं बे यार, ये बेस्ट क्वेश्चन है, मेरे को वक्त नहीं मिला इसलिए मैंने उसमें ही डाल दिया प्लेस ऑफ सप्लाई में, ठीक है? देखो भाई क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं करता हूं, आगे के क्वेश्चन आप करेंगे, पहले क्वेश्चन के इनफैक्ट एक पॉइंट मैं करता हूं। मेसर्स श्री दुर्गा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट कोलकाता, ये उसका लोकेशन है। इट हैज फर्निश्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर फेब्रुवरी 2023, मतलब ये मंथली वाला आदमी है, फेब्रुवरी 2023 में ये इंफॉर्मेशन दे रखा है उसने। तो इसकी लायबिलिटी कब पे करनी पड़ेगी? 20 मार्च को, ओके? हाँ, सीरियल नंबर 1, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इंक्लूडिंग 1,00,000 रुपए। इंट्रास्टेट सप्लाई सेल है ये, इंट्रास्टेट सेल मतलब ये बेचा है उसने, ऑफ टैक्सेबल गुड्स इंक्लूडिंग 1,00,000 रिसीव्ड एज एडवांस इन जनवरी 2023। अभी का महीना कौन सा है? फेब्रुवरी 2023। हमने 4,00,000 रुपए का सेल करा फेब्रुवरी में। इनवॉइस फॉर द एंटायर सेल इज इश्यूड ऑन 15 फेब, इसी महीने में इनवॉइस इशू कर दिया था, तो टाइम ऑफ सप्लाई का लफड़ा ही नहीं है। इनवॉइस इज इश्यूड इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, सो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? मंथ ऑफ फेब्रुवरी। नहीं नहीं सर, एक सवाल है, ये 4,00,000 रुपए टोटल, 4,00,000 में से 1,00,000 तो पिछले महीने मिल गए थे जनवरी में, बचे हुए 3,00,000 अभी मिले होंगे, और ये फेब में, और ये पूरे के पूरे 4,00,000 का मैंने इनवॉइस इशू करा फेब में,
और यहां पे बात चल रही है गुड्स की, तो ये एडवांस है, ये क्या है, एडवांस है, और एडवांस रिसीव्ड ऑन गुड्स टाइम ऑफ सप्लाई में बताया था नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 कहता है कि भैया यहां पे टैक्स नहीं लगेगा। मतलब ये 1,00,000 रुपए जनवरी महीने में जब मिले थे तब उस पे टैक्स नहीं लगा था, तो 4,00,000 रुपए की पूरी जीएसटी आपको इस महीने की लायबिलिटी में पे करना पड़ेगा, समझा गया? और ये बोल के नहीं चलता, ये लिखना पड़ेगा वहां पे नीचे, उसको लिखेंगे अपन। दूसरा, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑन 20 फरवरी 2023, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से इन्होंने किन्होंने जो भी है श्री दुर्गा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन ले रहा है, इंटरस्टेट परचेस है 30,000 के और बचे हुए 1,00,000 में से 70,000 के इंटरस्टेट परचेस है। अब यहां पे कहीं भी बताया हुआ है क्या कि ये आदमी बिल्डर या प्रमोटर है? क्या 9-4 लगता क्या? नहीं, अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन ले रहा है तो एक ही केस में 9-4 वाले केस में आरसीएम लगता, नहीं तो बाकी केसेस में अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है मतलब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है तो वो केस में कोई जीएसटी की लायबिलिटी बनती ही नहीं है। ये गुड्स परचेज है, मां कसम ऊपर सेल्स दे रखा है नीचे परचेज दे रखा है, ये खिचड़ी डेटा है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ 4 नंबर का, या 6 नंबर मान के चल लो मैक्स टू मैक्स। अगला, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदर देन एज अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट करा है। अगला वाला जीटीए सर्विसेज, अभी देखो अभी आपको सोचना है, मैं आपको बता रहा हूं पहले 2 में मैंने बता दिया सोचना किस डायरेक्शन में, अब दिमाग अपने को लगाना है। जीटीए सर्विसेज रिसीव फ्रॉम अ जीटीए, जीटीए से हमने सर्विस लिया और जीटीए कौन सा वाला है, 12% वाला, जीटीए 12% वाला रहा तो क्या होता है, क्या होता है, हाँ फॉरवर्ड चार्ज लगता है। अरे जीटीए सर्विस दे रहा है फैक्ट्री सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म एलएलपी एओपी बीओआई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल नहीं एओपी बीओआई और इनकम टैक्स का असर है, एओपी बीओआई रजिस्टर्ड पर्सन या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को दे रहा है तो वो केस में आरसीएम लगता है, बट उसके लिए कंडीशन है कि वो 5% वाला जीटीए होना प्लस उसने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन नहीं लिया हुआ होना, 12% वाला है तो एज इट इज फॉरवर्ड चार्ज लगता है। अब ये आदमी ने श्री दुर्गा कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जीटीए से लिया है जो 12% वाला है तो 12% वाला क्या करेगा, वो खुद मेरे से जीएसटी लेगा, मतलब मैंने उनको ये 2,00,000 पे जो जीएसटी देना है 12% वो दिए हुआ है उसमें मेरे को आईटी से मिलेगा। आगे क्या बोलते हैं, नेट जीएसटी लायबिलिटी बताओ फॉर फेब्रुवरी, रेट्स जीएसटी सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, आईजीएसटी 18%। अब ये रेट्स हमेशा गिवन होते हैं इसलिए मैंने तुमको बचपन में ही बताया था कि रेट्स याद मत करना। टर्नओवर 2.5 करोड़ था पिछले साल में, मतलब कंपोजिशन की तो बात ही ना करो। ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मतलब इनके ऊपर टैक्सेस आएंगे, बराबर है? ये मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ के बताया आपको, अब दिमाग आपको लगाने का है, शुरू कर दो। जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है उनके लिए मैं स्क्रीन फुल करके दे रहा हूं, दिमाग लगाओ फिर वीडियो को अनपॉज करो और फिर आगे का देखो, तुमने अपना दिमाग लगा लेना चाहिए था। अब सुनो, आ जाते अब क्या क्या बनने वाला है उस पर फोकस है, अब अपना फोकस समझने पर खत्म हो गया। पहली चीज, ये 4,00,000 रुपए का इंट्रास्टेट सेल है, सेल है मतलब 4,00,000 का 9%, 36,000 अपन ने कलेक्ट किया होगा सीजीएसटी, 36,000 अपन ने कलेक्ट किया होगा एसजीएसटी, बराबर है? हाँ। दूसरा, गुड्स परचेज्ड है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, जीएसटी नहीं लगा होगा, वैसे तो ये इनवर्ट सप्लाई था तो इसका आईटीसी मिलता था बट ये अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया है तो उसने जीएसटी कलेक्ट नहीं किया, हम आईटीसी काय का लेंगे भैया। तीसरा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदर देन एज अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। अब समझो बात को,
अगर आप रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन ओरिजिनल वर्क्स, तो उस पर जीएसटी लगता है। अगर आप घर बना रहे हो, सिंगल यूनिट बना रहे हो, एक आम आदमी का घर, ओरिजिनल वर्क्स है, वो एग्जम्प्टेड है। बट यहां पे ओरिजिनल वर्क्स नहीं है, यहां पे प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं फॉर रिपेयरिंग ऑफ अ सिंगल यूनिट एंड दैट इज सब्जेक्टेड टू जीएसटी। यहां जीएसटी लगेगा। क्यों? क्योंकि ये रिपेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है। देखो, अगर आप रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का मतलब बिल्डर को कोई सर्विस दे रहे हो, चाहे वो ओरिजिनल वर्क्स हो मतलब पहली बार बिल्डिंग बना रहा है, या फिर उसकी रिपेयरिंग की है, उस पर जीएसटी लगता ही है। एग्जम्प्टेड क्या है? ओरिजिनल वर्क्स, कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन ऑफ अ यूनिट, सिंगल यूनिट, एक आदमी का, किसी इंडिविजुअल का आप घर बना रहे हो, बना रहे हो, वो एग्जम्प्टेड है। बट उसका रिपेयर कर रहे हो तो वहां पे जीएसटी लगेगा। तो भैया इन्होंने 1,00,000 रुपए का दिया, और यहां पे क्या लिखा है? इंट्रास्टेट है, मतलब 9,000 का सीजीएसटी, 9,000 का एसजीएसटी। ये ऊपर भी सीजीएसटी एसजीएसटी था। अब यहां देखो, जीटीए सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम जीटीए, 1,00,000 रुपए की सर्विस लिखा, और ये इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट है मतलब 18% नहीं लिखा है वहां पे, 12%। अगर लेके बोल दिया 12 है तो 12 है, तो 12,000 रुपए का उसने अपने को आईजीएसटी अपने से लिया होगा, नहीं 2,00,000 कब है ना, 24,000 का उसने हमसे लिया होगा आईजीएसटी, 24,000 का आईजीएसटी लिया होगा, जिसका आईटीसी हमको मिल जाएगा। अब लायबिलिटी देखो कैसी है। अब अगर मैं कैलकुलेटर पे करूं ना, खटाक कैसे आंसर आएगा, बट कैलकुलेटर से मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया, या इसमें के कोई दो पॉइंट्स एमसीक्यू में आ गए ना, तो फिर कैलकुलेटर पे करना है। कैसे कैलकुलेटर पे करना है? सीजीएसटी एसजीएसटी, पहले केस में कितनी लायबिलिटी है? 36,000, यहां पे 36,000, ठीक है। दूसरे में नील, नील, अभी मैं ये रफ में लिख रहा हूं। एमसीक्यू में अगर आ गया तो कैसे करना है? एमसीक्यू में आ सकता है क्या? चार में से दो पॉइंट दे देंगे, पहला और चौथा, और एमसीक्यू बना देंगे। बहुत नीच लोग है ये। तीसरा 9,000, 9,000, चौथा आईजीएसटी का भी सर एक लगेगा, एक तो आईजीएसटी का भी कॉलम लगेगा, या दूसरा यहां पे लिखना पड़ेगा अपने को 24,000। या फिर सर एक काम आप ऐसा कर सकते हो कि ये ना करते हुए आप टैक्स लायबिलिटी निकाल लो, लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी कौन सी है? ये ग्रॉस वाली है, ग्रॉस लायबिलिटी है ये। 36, 45 इसकी है, 45 इसकी है, लेस आईटीसी, आईजीएसटी का आईटीसी है। क्या आईजीएसटी का आईटीसी सीजीएसटी के लिए यूज हो सकता है? हाँ। कितने का है? 24 का। अब कैसे करना? कैसे भी करो, आपके पास आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, इसलिए आप कैसे भी करो चल जाएगा, पूरा 24 इसको दो तो भी चलेगा। अरे दोनों का सेम ही रेट है ना, 45,000 ही भरना है। ये पूरा 90 कैश में पेएबल है अपने को, कोई आईजीएसटी नहीं है अपने पास, आईटीसी नहीं है अपने पास। 90 में से 24 माइनस करो, बचा हुआ अमाउंट तो पे करना ही पड़ेगा 66,000 का, कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन को अगर मजा दिलाना रहता ना, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी देना था, मजा आ जाता। पर क्योंकि नहीं दे रखा है, इसलिए किसी में से भी माइनस करो, इसको 21,000 बोलो, इसको 45,000 पेएबल बोलो, ये क्या रहता है? नेट जीएसटी लायबिलिटी, ये होता है नेट जीएसटी लायबिलिटी, ठीक है। बट ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते, पहले इसमें अपने को लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? हाँ, पहले इसमें अपने को लिखना पड़ेगा कि इंट्रा स्टेट सेल्स। अब नीचे नोट देना पड़ेगा, मैं नोट पूरा बोल के बता रहा हूं, और ये बुकिश लैंग्वेज नहीं है, प्रॉपर दिमाग से अभी इंग्लिश कंस्ट्रक्ट करके बता रहा हूं, आप सॉल्यूशन के साथ वेरीफाई करवा लेना। नोट में क्या लिखना है मेरे को कि एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 रेड विद सेक्शन 12 या सेक्शन 12, सेक्शन 12 कहेगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, 13 है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेस, सेक्शन 12 रेड विथ नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, नो जीएसटी
इज कलेक्टेबल या पेएबल ऑन एडवांसेस रिसीव्ड एंड देयरफॉर एडवांस ऑफ रुपीज 1 lakh रिसीव्ड इन जनवरी 2024-23 वाज नॉट पेड इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड देयरफॉर इट विल बी द सप्लाई ऑफ फेब्रुवरी 2023 मंथ. ऐसा लिखना है, बस इतनी ही इंग्लिश चाहिए अपने को, बस इतनी इंग्लिश चाहिए, इससे ज्यादा हाई फाइव याद नहीं होती है. एकदम मुद्दे की बात बता रहा हूं, इससे ज्यादा हाई फाइव याद नहीं होती है. आपको लगता है याद होती है तो सॉल्यूशन मिलेगा, उसमें का रट्टा मारने की कोशिश कर लेना, मौत नहीं आई तो मेरा नाम बदल दो, ठीक है. दूसरा, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन. मैं कोशिश कर रहा हूं, देखो मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, अगर रहता तो तुमको पता है मैं इतना आलसी हूं कि मैं सॉल्यूशन दिखाता, बोला कॉपी कर लो. दूसरा, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन एज पर सेक्शन 7 सप्लायर शैल बी अ टैक्सेबल पर्सन. इन दिस केस सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड देयरफॉर नो जीएसटी विल बी लेविड, दस वी कैन नॉट टेक आईटीसी. खत्म हो गया. अगला, इसमें तो पूरी चर्चा हो गई है. सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, यहां लेबर लिखा है अपन प्योर लेबर लिखेंगे, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट इज एग्जम्प्ट, बट हियर सर्विस इज प्रोवाइडेड फॉर रिपेयरिंग एंड दस इट इज टैक्सेबल या जीएसटी विल बी लेविड. ऐसा. चौथा, गुड्स परचेज फ्रॉम नहीं जीटीए सर्विसेज रिसीव्ड सिंस जीटीए इज पेइंग टैक्स एट 12% जीटीए विल पे टैक्स टू गवर्नमेंट अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड मेसर्स श्री दुर्गा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कैन टेक आईटीसी ऑफ इट. खत्म हो गया. और क्या लिखेंगे इसमें, पूरा लिखते क्या? नहीं, इतना ही काफी है, 4 mark का क्वेश्चन है. दैट्स इट. गॉट इट बेबी? पक्का? चलो क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर टू. ऑल द रेट्स, देखो नीचे के नोट्स में पढ़ देता हूं. ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ऑल द कंडीशंस फॉर आईटीसी हैज बीन फुलफिल्ड, और 9% और 18% का रेट है. मतलब ये वही नॉर्मल सा क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन नॉर्मल दिख रहा है पर ये क्वेश्चन नॉर्मल है नहीं, एक नंबर खींच के क्वेश्चन है. कैसा खींच के? मजा आ जाएगा आपको, पूरे कंसेप्ट हिल जाएंगे आपके, पूरे कंसेप्ट. आज अपना मतलब वो आई ओपनर सेशन है. अगर ये मैं यूट्यूब पे डालना ऐसा तड़ाकेदार थंबनेल बना चाहिए, आई ओपनर, आके खोल के आके गिरती हुई. तो देखो भैया इसको पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो. ऑनलाइन वाले बच्चे भी पढ़ेंगे प्लीज. ये क्वेश्चन 10 number का क्वेश्चन आता है, ये नहीं तो कम से कम 8 number का, 8 number का क्वेश्चन ये, और 2 number का साथ में रिवाइज्ड इनवॉइस कब इश्यू करना है या ईवे बिल का थ्योरी, वो बच्चा आ जाता है. कम से कम 8 number का एक क्वेश्चन है. इसको अपन एक एक पॉइंट लिखने वाले, तो इसलिए मैं कह रहा हूं इसको पहले खुद से बनाओ, और इसका सोल्यूशन कम से कम 1 page का जाएगा आपका, कम से कम 1 page का सोल्यूशन रहेगा. कैलकुलेटर पे नहीं करना है ये, कैलकुलेटर पे करना होता तो मैं सॉल्यूशन देता था. करो जल्दी से, अब मैं करता हूं. समझ में नहीं आ रहा ना? हाँ मैं अभी नहीं, तुम 1 घंटा भी कर लूंगे, पहला क्वेश्चन तो मैं बनाऊंगा. अब देखो पहले बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तुम्हारे साथ. मिस्टर एकांत अ सप्लायर रजिस्टर्ड इन दिल्ली, दिल्ली मतलब SGST होगा, UTGST नहीं होगा. दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर, SGST आएगा लफड़ा, ठीक है. इज एंगेज इन द सप्लाई बिजनेस ऑफ सेल एंड परचेस ऑफ प्लास्टिक रेनकोट्स. ओके. ही फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय हिम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022. सर 24 में 22 का क्वेश्चन कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना. जैसे अकाउंट्स में 2012 के क्वेश्चन अभी भी वैलिड है, वैसे ही यहाँ पे भी वैलिड है. बाकी सारी अमेंडमेंट्स इसमें कैरी आउट कर ली गई है. तुमको फिर भी लगता है तुम इसको 24 कर लेना अपने मन की खुशी के लिए. अब पर्टिकुलर्स दे रखी है, ठीक है. पहले तो देखो ये आउटवर्ड है, मतलब ये सारा सेल है. इस पे हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे, हा या ना? ये 30 इनवर्ड मतलब ये सारा परचेस है, इस पे हमको मिलेगा आईटीसी. अब जब ये कर ही रहा था तो मेरे को दिखा ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है 2 lakh, इसका जीएसटी ही नहीं लेगा वो,
तो मेरे को आईटी से ही नहीं मिलेगा, ठीक है, ये बात हुई। अभी आगे, ये पहले ऐसे क्वेश्चन पढ़ना पड़ता, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर एकांत, आईजीएसटी क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स परचेज इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई का महीना चालू है, इस महीने में हमने 1.5 लाख का कैपिटल गुड्स खरीदा है जिसका क्रेडिट मिलता है, ये आईटीसी में काम आएगा। उसके बाद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्रेडिट ऑन अदर इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई परचेसेस, उसपे का जो क्रेडिट है वो है 0.5 लाख, मतलब 50,000। इसमें बोला है कि 5,000 का क्रेडिट इंक्लूडेड है ऑन अकाउंट ऑफ मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, आपने किसी क्लब की मेंबरशिप ली थी, इनवर्ड सप्लाई मतलब आपने सप्लाई लिया है, क्लब ने सप्लाई आपको दिया है, तो क्लब वाले ने आपसे जीएसटी कलेक्ट करा था 5,000 का, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ईच, ठीक है, क्लब वाले ने आपसे क्रेडिट सॉरी जीएसटी कलेक्ट करा था। अब क्लब की अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो अनलेस एंड अंटिल लॉ ने ऑब्लिगेशन डाली है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, तब तक आपको उसका आईटीसी नहीं मिलता, ये हमने आईटीसी के चैप्टर में देखा है, बरोबर है। तो इसका 50,000 में से ये जो क्लब की मेंबरशिप है ना, इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है, बाकी सबका मिलेगा। उसके बाद अवेल्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर सुजीत, एक लॉयर है जो दिल्ली में है, मतलब इंट्रास्टेट है, हाँ, अपन भी दिल्ली में है, वो भी दिल्ली में है, दिल्ली के लॉयर से हमने सर्विस लिया, हम कौन है, बिजनेस चला रहे, बिजनेस एंटिटी। अब दो चीजें क्लिक हुई, एग्जम्प्ट है सर, लॉयर की सर्विस तब एग्जम्प्ट है जब दूसरे लॉयर को दिया जाए, किसी फर्म को दिया जाए, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाए, किसी गवर्नमेंट को दिया जाए, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी ब्ला 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 ब्ला, बट अगर बिजनेस एंटिटी को दिया तो वो एग्जम्प्ट नहीं रहती। अगर लीगल सर्विसेज आर गिवन टू रजिस्टर्ड पर्सन, दे आर नॉट एग्जम्प्ट, मोर ओवर उस पे जो टैक्स है वो आरसीएम पे पेबल है, 9(3) के अंदर सेकेंड पॉइंट। तो यहां 1,00,000 रुपए है, अब रेट कितना दिया 18%, तो सीजीएसटी 9,000 का, एसजीएसटी 9,000 का, ये हमारा परचेस ही है, अरे हमने इनवर्ड है ना सर्विस लिया है, अवेल्ड है, तो ये 9,000 आरसीएम के तहत मेरे को पे करना पड़ेगा, तो जो मेरी इस बार की जीएसटी की लायबिलिटी रहेगी ना, सुनो अब वापस से देखो एक बार, ये आपको आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस दिया है, सीजीएसटी का 2,00,000, एसजीएसटी का 2,00,000, आईजीएसटी का 5,00,000 रुपए आपके पास में ओपनिंग बैलेंस पड़ा है, आपको नेट लायबिलिटी कैश में कितना पे करना है ये बोला है। अभी एक बार वापस से मेरे साथ क्वेश्चन समझो, पहले तीन केस में सेल दिया है, यहां पे आपने जीएसटी कलेक्ट करा है, ये आपको गवर्नमेंट को देना है, ये तीन पे जो जीएसटी कलेक्ट करा है, यहां आपने आउटवर्ड सप्लाई पे करा है, ये आपको कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है, जिसके लिए आप ये पहला और दूसरा इस पे जो जीएसटी लगा है उसका आईटीसी यूज कर सकते, प्लस ये जो कहा है ओपनिंग बैलेंस दे रखा है वो आईटीसी यूज कर सकते, साथ ही साथ आपको इसी महीने में ये जो आरसीएम वाली सर्विसेज ली है आपने, इस पे का भी जीएसटी पे करना है। अब आप बोलोगे सर मेरे पास आईटीसी का बैलेंस पड़ा है, क्या मैं आईटीसी के बैलेंस को आरसीएम का जीएसटी पे करने के लिए यूज कर सकता हूं? नहीं, वो आपका इनवर्ड सप्लाई है, आपको गवर्नमेंट को कैश में देना पड़ेगा। देखो आउटवर्ड सप्लाई जो है ना अपना, उसके अगेंस्ट आईटीसी यूज करता, आरसीएम वाला जो सप्लाई है वो आपको कैश से ही भरना पड़ता, क्लियर है बात। आरसीएम वाले सप्लाई में आप क्रेडिट एडजस्ट नहीं कर सकते, तो यहां अपनी दो टाइप की लायबिलिटी बनेंगी, एक आउटपुट जीएसटी मतलब आउटवर्ड सप्लाई वाला माइनस इनवर्ड सप्लाई, अगर आईटीसी कम रहा तो वो जो कलेक्ट किया है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, प्लस आरसीएम वाला सप्लाई भी गवर्नमेंट को पैसे में देना पड़ेगा। तो मतलब कम से कम ये महीने में, चाहे पूरा का पूरा आईटीसी हो, मिनिमम जो अमाउंट पेबल रहेगा गवर्नमेंट को वो रहेगा सीजीएसटी 9,000 का, एसजीएसटी 9,000 का। ऐसा कभी एमसीक्यू में आ सकता है, ऐसा कभी एमसीक्यू में आ सकता है कि आपको 2-4 परचेस दे दिए और एक सेल दिया, आईटीसी ज्यादा पड़ा है आपके पास और एक आरसीएम वाला आपने परचेस करा है, आपको पूछा है बताओ मिनिमम जीएसटी कितना पेबल है, तो जितना आरसीएम का अमाउंट है ना
वो मिनिमम अमाउंट होता है जो कैश में पेबल होता है, कॉन्सेप्ट है। ये पहले भी बताया था बट अभी आंखों के सामने और अच्छे से क्लियर। अब अपन क्या करने वाले, आउटवर्ड सप्लाई निकालेंगे, आउटवर्ड सप्लाई पे का जो जीएसटी है वो निकालेंगे। एक निकालेंगे ग्रॉस लाइबिलिटी, ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी। एक निकालेंगे टोटल क्रेडिट कितना है अपने पास, वो क्रेडिट एडजस्ट करने के बाद जो लाइबिलिटी बचती है उसमें ऐड कर देंगे आरसीएम वाली लाइबिलिटी। एम आई क्लियर और एम आई क्लियर? क्लियर है। अब शुरू करो। सर पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताता था तो जो दिमाग आपने लगाया वो आप लगाते ही नहीं थे। अब देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जब आता है ना कार्यक्रम पूरा, तो आपको क्या करना होता है, यह आउटवर्ड सप्लाई है, इंटरस्टेट 30 लाख, तो इसमें आपने आईजीएसटी कलेक्ट किया होगा 30 लाख का कितना 18%, 5,40,000। यहां पे इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट है, चाहे रजिस्टर्ड को हो अनरजिस्टर्ड को हो, हम तो रजिस्टर्ड है, हम तो जीएसटी कलेक्ट करेंगे। कितना हुआ टोटल मिला के 65 लाख, बराबर है। तो दोनों का मिला के सीजीएसटी कितना होगा और एसजीएसटी कितना होगा, 65 लाख × 9% 5,85,000 सीजीएसटी होगा और एसजीएसटी भी सेम अमाउंट होगा 585, है ना। ये आपने कलेक्ट करा है जो गवर्नमेंट को देना है, उसके अगेंस्ट आपके पास ये क्रेडिट पड़ा है, ये दोनों का। ये तो सेल बकवास है, इसका क्रेडिट नहीं मिलता। पर बाबू सुनो, ये अपन कंप्यूटेशन में नहीं लेंगे, तो ये एक नीचे अपने को नोट देना पड़ेगा, नोट 1 देना पड़ेगा, है ना, कि भैया इंट्रास्टेट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट लिवियबल टू जीएसटी और परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन नो जीएसटी वुड बी कलेक्टेड बाय द अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड देयरफॉर नो आईटीसी वुड बी अवेलेबल ऑन दैट। ठीक है, हाँ इतना ही लिख दो, काफी है। ये इंग्लिश जो मैंने बोला ना दैट इज ओके, दिस इंग्लिश इज परफेक्टली फाइन विद ऐसा एकदम डॉट टू डॉट। सर सेक्शन, अबे पहले ये तो लिख ले, अभी समझे तुम सेक्शन काई को नहीं बोलता मैं, लिखो सेक्शन डालो, नॉनसेंस। हाँ तो ये 15 लाख का सप्लाई है, अरे यार पर एक इंट्रा है एक इंटर है, तो इंट्रा पे 10 लाख पे भाई ने लगाया होगा एसजीएसटी 90,000 का और सीजीएसटी लगाया होगा 90,000 का। ये अपने पास आईटीसी पड़ा है 5 लाख पे 18%, आईजीएसटी 90,000 का, ये आईटीसी है, इसके अंदर और आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस ऐड हो जाएगा, ये टोटल आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी सब समझ रहे हैं, पर देखो लिखने में कैसे हाथ कांपते हैं, मैं आपको एक एक स्टेप पे लेके जा रहा हूं, पहले क्वेश्चन समझता ही नहीं है, क्वेश्चन समझाया, अब आंसर निकाल रहा हूं मैं आपको आंसर निकाल के बताता हूं अभी ओरली, पर लिखेंगे कैसे उसमें भी दिक्कत होंगी, फिर एक और स्टेप समझाऊंगा कि भैया अब कैसे लिखना है, फिर आगे वाले क्वेश्चन से आप क्या बोलते हो उसको उतने काबिल हो गए। अरे बाप रे, एकदम भाई ये मेरे दिल की बात समझ ही लेता है, कोई समझे ना समझे। तो आईजीएसटी का अमाउंट है देखो, आईटीसी ये 1.5 लाख, आईजीएसटी है ना ये 1.5 लाख का, तो आईजीएसटी का मेरा कितना बैलेंस हो जाएगा मैं बताता हूँ आपको। ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख प्लस 1.5 लाख कैपिटल गुड्स का प्लस 0.90 लाख इसका, बस इतना ही है, हा ना। ये तो यहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी है, उतना ही होगा भाई, उतना ही है, और कुछ दिख ही नहीं रहा है मेरे को आईजीएसटी का, अपला आईजीएसटी का और कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। ठीक है चलो अब इसको लिखा जाए एक बार बस 30 सेकेंड 30 सेकेंड आप खुद सोचिए कि क्या करें अपन, कैसे करें अपन, कैसे करें हम इतना बता दे। हाँ क्या करें बताओ, टैक्स लाइबिलिटी निकालते, टैक्स लाइबिलिटी निकालते, बट देखो पहले ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे, उसमें से आईटीसी माइनस करेंगे
और बाद में आरसीएम वाली लाइबिलिटी ऐड करके नेट लाइबिलिटी बोलेंगे भैया कैश। ये आरसीएम वाले को अलग रखो, इसको दूर रखो, इसको भी। लोग पहले आरसीएम वाला निकालते, मैं बताता हूं क्या करते लोग, या बहुत सारे सॉल्यूशंस में क्या होता है, इंक्लूडिंग मेरी बुक में भी वैसे ही सॉल्यूशन दिया हो सकता है, क्योंकि सॉल्यूशन मैं हाथ से टाइप नहीं करता, दिमाग मेरा खुद का है। आरसीएम पहले ऐड कर देते, आरसीएम ऐड करने में गड़बड़ी हो जाती कि आरसीएम की लायबिलिटी गवर्नमेंट को कैश में पेबल है, और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो हमने सेल करा है उसमें से अपन आईजीएसटी एडजस्ट कर सकते, सॉरी आईटीसी एडजस्ट कर सकते। तो आदमी गलती से कभी कभी क्या करता है, आरसीएम में भी आईटीसी एडजस्ट कर लेता है। हमको वो ना करे, हमको नहीं करना है, इसलिए हम आरसीएम को दूरी रख रहे हैं। भैया तू लास्ट में आना, आखिरी बॉल पे छक्का मारना है तेरे को, ठीक है, अभी नहीं आना, दो नहीं है पगले, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है भैया अपने पास, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके पास भी होगा। अगर ऑनलाइन में किसी बच्चों के पास नहीं होगा तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए, और फिर आगे अपन इसको सॉल्व करते हैं। यो बेबी, लिखा जाए, आ जा। तो पहले अपन निकालेंगे आंसर, कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ, कौन है झंडू, मिस्टर एकांत, फॉर द मंथ ऑफ। सर आप भी ऐसा लिख सकते हो, मान लो, हाँ भाई मैं भी ऐसे ही पास हुआ लिख के, ऐसे अभी माज अभी आ गया भाई, पहले नहीं था, ठीक है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया फिक्स है कि मैं पहले है ना टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालूंगा जो पेबल है, बाद में आईटीसी टोटल कैलकुलेट करूंगा, और बाद में एक बार कंप्यूटेशन कर लूंगा। तो ये आईजीएसटी हो गया, ये सीजीएसटी हो गया, ये एसजीएसटी हो गया, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ठीक है ना, हा कि ना, पर्टिकुलर्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, ठीक है। सबसे पहले इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, इंटरस्टेट सप्लाई, ओ गलत हो गया सर, टू रजिस्टर्ड पर्सन, सर गलत हो गया, एक लाइन और चाहिए, मतलब क्या की वैल्यू की, ओके, अरे वैल्यू लगेगा ना, वैल्यू कितना है, 30 लाख, 30 लाख का कितना परसेंट बोलो, इंटरस्टेट है आईजीएसटी एट 18% कलेक्टेड, ऐसा लिखना पड़ता क्या, नहीं लिखा तो भी चलता, पर मैं सेफ साइड पे चलता हूं, ठीक है, 5.40 लाख, 5,40,000। अगर कोई झेंडू, अच्छा रुक जाओ, पहले एक डिस्क्लेमर देता हूं, अगर कोई झेंडू को ऐसा लग रहा होगा मास्टर पागल है, और तुम लोग और भी गधे हो कि तुम भी लिख रहे बैल कैसे, मैं भी लिख रहा हूं, मेरे पास सॉल्यूशन घर पे टाइप दे, मेरे लैपटॉप में टाइप दूंगा, मैंने वो दे देना चाहिए था, तो भैया अगर कोई ऐसा होगा तो माफ करना, आप जाओ छाप लेना बाद में, ठीक है, फिर अगले अटेम्प्ट में आके खुद करना। हो गया भैया, दूसरा क्या हो गया, अगले अटेम्प्ट में आके खुद ही करना पड़ेगा भाई। दूसरा, इंटरस्टेट नहीं इंट्रास्टेट सप्लाई, हाँ बस इंट्रास्टेट सप्लाई लिख देता हूं, टू रजिस्टर्ड पर्सन एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन, सीजीएसटी, सीजीएसटी एट 9% एंड एसजीएसटी एट 9%। ये नोट जैसे काम करेगा अपना, कितना है रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन, 65 लाख, 65 × 9%, 5,85,000, 5,85,000, ये हो गया अपना नेट टैक्स लायबिलिटी। यहां पे लिखूंगा मैं टोटल, और कोई है क्या आउटवर्ड सप्लाई, और कोई है क्या बोलो, नहीं है ना, नहीं है पक्का, चलो ठीक है,
ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी यहां पे एप्लीकेबल नहीं है, यहां पे 585, यहां भी 585, यहां 540,000 आया बेटा सबका, किसी को आपत्ति कोई नहीं। दूसरा, अब यही पे लिख दूं क्या मैं? अरे ऊपर मेरे को लिखना पड़ेगा यहां पे टोटल जीएसटी या ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी, ठीक है। अब यहां लिखूंगा मैं टोटल आईटीसी, और मैं तो है ना, मैं ऐसा फैन नहीं हूं कि एक ही टेबल में पूरा का पूरा लिख दूं, इस कॉन्सेप्ट का मैं फैन नहीं हूं। मेरे को लगता है पहले टोटल जीएसटी लाइबिलिटी निकालो, फिर टोटल आईटीसी अवेलेबल निकालो, समझा ना, फिर उसको एडजस्ट करो। देखो एक स्टेप ज्यादा होंगी पर गलती होने की संभावना कम होंगी, एक। और दूसरा, 100 मार्क का पेपर आता नहीं अपने को, मैंने मां कसम बोल रहा हूं, मैंने पूरे इंटरमीडिएट में एक भी पेपर 100 मार्क का अटेम्प्ट नहीं किया था। 500 नंबर आए थे 700 में से, 72% हमारे वक्त आईपीसीसी होता था, 700 मार्क्स में से 500 आए थे हर एक सब्जेक्ट में एग्जम्पशन, और खुद बोल रहा हूं एक भी पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं करा था। बट मैं 94 का अटेम्प्ट करा था, टैक्स मेरे को 88 आए थे उसमें। मैंने ऑडिट अटेम्प्ट करा था 86 का, मेरे को उसमें से 81 आए थे। लॉ अटेम्प्ट करा था 91 का, उसमें से आए थे मेरे को शायद 78 या 79। EISSM हमारे वक्त जो आपके इसमें से गायब हो गया है, हमारे वक्त EISSM हुआ करता था, ITSM बोलते थे उसको, 75 मार्क का अटेम्प्ट करा था, 63 मार्क आए थे। उसी पेपर के दिन रात में 10 बजे रो रहा था ऊपर कि हुआ नहीं है मेरा, 25 छोड़ दिया था। अरे 25 आता ही नहीं था, पर 75 ऐसे आता था, ऐसा लिखा था कि 63 आए उसमें से, 63। और मैं चाहता हूं कि आपको 5 नंबर का क्वेश्चन ही ना आए, एज अ टीचर ऐसा चाहना बहुत बड़ी सीपा है, पर मैं चाहता हूं कि आए ना 5 नंबर। क्यों? 95 का ही अटेम्प्ट करना है, वो 5 वही नहीं आ रहा जिस क्वेश्चन के वैसे लोग बोल रहे पेपर लेंदी है। अरे 5 नंबर का क्वेश्चन ही तो लेंदी कराता है, वो 5 नंबर का क्वेश्चन जो 20 मिनट खाता है वो तुमको आता ही नहीं है। तो तुमको बेसिकली 95 मार्क्स के लिए पूरे 3 घंटे मिल रहे। और मैंने तुमको फाउंडेशन में भी समझाया था, मैं तुमको अभी भी समझा रहा हूं, मैं तुमको जिंदगी भर समझाऊंगा, हर एक चीज हासिल नहीं करनी है, हर एक क्वेश्चन भी नहीं आना चाहिए। चलो टोटल आईटीसी अवेलेबल, ठीक है, क्या है भाई, कैसे बनाओ इसका बताओ, अगेन सेम ही बनाओ क्या, टोटल आईटीसी अवेलेबल का सेम ही बनाओ, ठीक है, वैल्यू भी लगेगा ना, लाइन मारने के दिन गए इसलिए लाइनें टेढ़ी आ रही है मेरी, तुम्हारे है तो तुम सही लाओ, ठीक है। पर्टिकुलर्स और ध्यान रखना, जो सीक्वेंस ऊपर रखा है ना वही सीक्वेंस नीचे रखना, नहीं तो लोग नीचे क्या करते हैं, यहां आईजीएसटी लास्ट में लिखते और इधर आईजीएसटी पहले लिख देते, क्योंकि आईजीएसटी का आईटीसी पहले यूज होना चाहिए। ना 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 ना, गड़बड़ कर दोगे, कंफ्यूज हो जाता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ओके। हाँ 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 हाँ, हमने क्या करा, इंट्रा स्टेट सप्लाई लिया रजिस्टर्ड पर्सन से 10 लाख रुपए का, नहीं पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। बोलो ओपनिंग बैलेंस कितना था, 2 लाख, 2 लाख सीजीएसटी का था क्या, 2 लाख एसजीएसटी और 5 लाख आईजीएसटी था ना। दूसरा क्या, दूसरा आया इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट, मैं परचेसेस लिखता हूं भाई, फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, पता है मैंने इससे क्या कर दिया, एक तो इनवर्ट सप्लाई के जगह पे परचेस लिख दिया, मतलब सिंपल सी बात है भैया, उस पर आईटीसी मिलता। अब उस मंद बुद्धि को अगर ये नहीं समझ में आता तो फिर तुम्हारी गलती नहीं है,
ठीक है, इंटरेस्ट रेट सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन कितने का है? 10 लाख रुपए का। इंटरेस्ट रेट है मतलब 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, 90,000 यहां पे डैश, यहां पे आईजीएसटी पे डैश, नहीं तो क्या होगा अगले वाले के अंदर इसमें डाल दोगे गड़बड़ हो जाएगी, यहां डैश नहीं तो, अरे क्या होगा मैं बता दो, आगे वाला अपन ने लिखा, अगला कौन सा है? इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट है, परचेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन कितना? 5 लाख। आदमी बोलता है यहां लिख देता हूं 5 लाख का 18% 90,000, हो गया गड़बड़, पहले लाइन में लिख दिया तो, इसलिए बोल रहा हूं यहां मारो लाइन, यहां मारो लाइन, यहां मारो लाइन, यहां मारो ना लाइन। अब कॉमर्स तुमको प्रोफेशनल कोर्स में लाइन मारने की जगह ही कहां मिल रही है, यही मारो है ओके। उस तीसरा, चौथा, चौथा और क्या था चौथा भैया? अनरजिस्टर्ड पर्सन, यहां लिखू कि नोट में डाल दू? यहां लिख दू, ठीक है ओके लिख देता हूं, तुम बोल रहे हो तो लिख देता हूं, इंट्रा स्टेट परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन नो जीएसटी लेविड एंड दस नो आईटीसी, ऐसे ही बोल रहे तू? 2 लाख, नील 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 बटा सन्नाटा, यही बोल रहा था ना, ये बेस्ट तरीका है, नहीं तो मालूम है बाद में क्या होता, याद नहीं रहता। एंड वो आदमी अगर यहां चेक कर रहा है और उसको यहां पे एक्सपेक्टेड है ना, तो उसको मिलेगा नहीं, वो साला आधा मार्क तुम्हारा काटने का मन बना लेगा कि इसको तो 6 में से, इसको 8 में से 7 ही दूंगा, अगर पहला आंसर भी सही रहा तो, वो नोट्स तक पहुंचता ही नहीं, आप समझ रहे हो ना, उसको अगर यहां पे एक्सपेक्टेड है तो। चार और क्या है, पांचवा, पांचवा क्या है, आईजीएसटी ऑफ कैपिटल गुड्स कितना है? ये वैल्यू तो दी नहीं है, वैल्यू लिख दूंगा एनए, आईजीएसटी कितने का दिया है कैपिटल गुड्स का? 1.50 लाख दे रखा है डायरेक्टली अमाउंट, ठीक है। उसके बाद में दे रखा था सिक्स्थ, अदर आईटीसी ऑन अदर इनवर्ड सप्लाई, वैल्यू नहीं दी है, यहां पहले जाएगा नोट, नो आईटीसी ऑन क्लब सिंस नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है। अगर ये मेरी खुद की बुक रहती थी तो इससे 1000 गुना अच्छे से लिखता था मैं हैंडराइटिंग में, आपने बहुत नमूनों का सुना होगा ना कि हैंडराइटिंग के मार्क्स नहीं रहते, मैं खुद बोल रहा हूं हैंडराइटिंग के मार्क्स नहीं रहते, बट हैंडराइटिंग से इज्जत बनती है नजरों में एग्जामिनर के, नहीं तो एक तो तुम्हारे आंसर्स इतने टॉप नॉच होना चाहिए कि हैंडराइटिंग का सहारे की जरूरत ही ना, बट अगर आपके आंसर 19-20 है और आपके हैंडराइटिंग पॉश है तो उसको देख के मजा आएगा पेपर में, वो इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी, ठीक है। बाकी कितना था वहां लिखा था 50,000 का सीजीएसटी और एसजीएसटी है, देखो ना, देखो ना, देखो ना ऊपर, ऊपर कहां लिखा था, यहां लिखा था सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट ऑन अदर इनवर्ड सप्लाई, जिसके अंदर 5,000 का सीजीएसटी है, 5,000 का एसजीएसटी है, और ये सीजीएसटी एसजीएसटी का 50,000 अपना अपना था, तो 25-25 था क्या? नहीं, 50,000 सीजीएसटी 50,000 एसजीएसटी था, जिसमें से 5,000 क्लब का था सीजीएसटी, 5,000 क्लब का था एसजीएसटी। ये कहां से समझ में आया? इंग्लिश, ये समझ में आया इंग्लिश, मयूर मैं आई कैन नॉट हेल्प, कहा नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ सिंस नॉट अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ऐसे भी लिख सकते ना अपन, ठीक है। ऑन क्लब मेंबरशिप होना चाहिए, मैंने उसको शॉर्ट में लिख दिया, कितना आया ये वैल्यू तो एने है 45K, 45K आया बेबी, हाँ, प्लस
एक और हा बोलो 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 बोलो, और कौन सी सर्विसेस हमने ली है, और कौन सी, हाँ लीगल सर्विसेज हमने लिया है क्या, वो जिस पे आरसीएम लगता, अरे वो जो हमको देना है, बताओ बताओ, कीड़े पड़ेंगे, पाप लगेगा तुमको, भगवान गरम कढ़ाई में तलेगा तुमको, बिना तेल डाले ऐसे चटके लगे, पत पत, बोलो ना लायको। अरे भाई मैंने लॉयर से एडवोकेट से सर्विस लिया है जिसपे मेरे को आरसीएम में टैक्स देना पड़ता, तो उसका मेरे को आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो मेरा इनवर्ट सप्लाई है ना, हाँ। अरे यार आरसीएम वाले का आईटीसी मिलता, मैंने तुमको करोड़ों बार बताया हुआ है। अरे झंडू मेरा इनवर्ट सप्लाई है कि नहीं है वो, अब मैं उसकी जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे को बोलेंगे तुम्हारा इनवर्ट सप्लाई नहीं है। कौन था वो झंडू बताओ, रुको एक मिनट, ये एकांत है और वो कौन था, सुजीत, देखो अभी ये सुजीत है, इसने एकांत आदमी को दिया। अब नॉर्मली क्या होता था, एकांत इसको देता था 9000, 9-9 है ना, एक ही लाख है ना, 9000 और 9000, और बाद में ये सुजीत गवर्नमेंट को देता था, किसके जेब से जा रहा है, एकांत के जेब से। अभी क्या हो रहा है, एकांत खुद गवर्नमेंट को दे रहा 18000, अभी भी उसके ही जेब से जा रहा है 18000। तो इसका मतलब यह है क्या कि एकांत आरसीएम के तहत भर रहा, मतलब ये उसका इनवर्ड नहीं आउटवर्ड सप्लाई हो गया, नहीं। मैंने तुमको दो चीजें बताई थी, याद रखना, एक आरसीएम कैश में भरना है, दूसरा ये आपके परचेस पे रहता है तो इसका आपको आईटीसी मिलेगा अगर एलिजिबल है तो, और तीसरा आपके टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होता। सर हम भर रहे हैं ना इस पे, अरे तो आप परचेस पे भर रहे हो, आरसीएम लग रहा है इसलिए, आपने ये सेल नहीं करा, आरसीएम का सप्लाई आपके टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होता। अगर ये तीनों चीजों में से कोई भी चीज पे आप गलती करते हो तो आपके फेल होने की जिम्मेदारी आपकी, मेरी पास होने की जिम्मेदारी, करवाने की जिम्मेदारी तब है जब जो मैं बोल रहा हूं वो तुमको याद रहे, तुम सुनो उसको फॉलो करो, सिंपल। अजय देवगन वाला फॉलो करते अपन कॉन्सेप्ट, माय वे और स्काई वे, सुना नहीं तुमने, अजय देवगन का बहुत फेमस डायलॉग है, इट्स माय वे और स्काई वे, मैं बोल रहा हूं वैसे करो नहीं तो जाओ ऊपर, ठीक है। हाँ तो मिलेगा भैया, कौन सी सर्विस है, लीगल सर्विसेस, आईटीसी ऑफ लीगल सर्विसेस फ्रॉम, कौन है वो, जो भी झंडू है, हाँ आईटीसी इज अलाउड सिंस इट इज एन इनवर्ड सप्लाई, ठीक है, कितना, 1,00,000 का वैल्यू है, 9000 9000, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ आरसीएम डज नॉट रिस्ट्रिक्ट ITC on inward supplies, ये आपने लिख दिया ना तो आपको सीधा एग्जामिनर बोलेगा ये रही मेरी लड़की, ले जा शादी कर इससे, हाँ हो गया भाई, ओके डन है, याद है तुमको, ये याद रहेगा, ये याद रखने के, अब सोचो मैंने थ्योरी में कितने बार बोला था, अगर मैं ऐसा एग्जाम्पल तब लेता था तो अगले दिन आप क्लास नहीं आते थे सर, ठीक है, हाँ मारो टोटल, मारो मारो टोटल, टोटल बताओ भाई, IGST कितना है, 2,00,000, 5,00,000,
प्लस 90,000 प्लस 1.5 लाख 7,40,000 है आईजीएसटी ऑफ आईटीसी, इसका आया 2,290 35 344 344K और इसका भी 344K वैल्यू में नील हो गया बेटा। हुआ क्या, ये है भैया पूरा का पूरा। अब इसको मैं तमीज से बहुत अच्छे से लिख सकता था पर मेरे को लगा नहीं कि वर्थ इट है। सर ऐसा हमने लिख दिया तो कितने मार्क्स आएंगे, पूरे इतना लिख दिया तो पूरे मार्क्स आएंगे। देखो अभी हमने क्या क्या सीखा कि आरसीएम वाला सर हो गया क्या, नहीं हुआ अभी, नहीं हुआ है अभी तो एडजस्टमेंट चालू है। देखो एक पेज खत्म हो गया है, कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, ग्रॉस लायबिलिटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, पर्टिकुलर्स, लाइनें तुम मार लेना, मेरी शादी हो गई है। हाँ आउटपुट ग्रॉस लायबिलिटी कितनी थी ऊपर बताओ, 585 ठीक है। आईटीसी अवेलेबल, सीजीएसटी का कितना है, 344, फिर 344 740, ओ माय गॉड। तो ऐसे नहीं कर सकते अपन, ऐसे नहीं कर सकते, ये थोड़ी कैलकुलेशन होगा। लेस आईटीसी ऑफ आईजीएसटी एडजस्टेड अगेंस्ट आईजीएसटी लाइबिलिटी कितना, 540। यो बेबी, अरे हा ना 740 था उसमें से 540, अब हमारे पास कितना है सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है, 345 है, 585 माइनस 344, 241,000 का कम है, 241,000 का सीजीएसटी कम है, 241 का एसजीएसटी कम है, समझा क्या, मतलब 482 का कम है, 482,000 का कम है, और हमारे पास आईजीएसटी कितना है, 2,00,000 ही है भैया, 2,00,000 बढ़ा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, किस मैनर में डालू, किसी भी मैनर में डालो, अरे ये पेबल है। वैसे देखो वो कब बात होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीजीएसटी अपने पास क्रेडिट पड़ा है और अपन एसजीएसटी कैश में पे कर रहे हो, यहां पे तो कैश में वैसे ही पे करना है। देखो टोटल लायबिलिटी कितनी है, सुनो टोटल लायबिलिटी कितनी है, 540 प्लस 585 इंटू 2 प्लस 540, टोटल लायबिलिटी है अपनी 17,10,000, हाँ कि ना, लेस अपने पास आईटीसी कितना है, टोटल आईटीसी है 740 प्लस 344 प्लस 344, 14,28,000 का अपने पास आईटीसी पूरा टोटल में है, माइनस 17,10,000 अपने को 282 वैसे ही कैश में पे करना पड़ेगा, आप किस में से कुछ भी एडजस्ट कर लो, समझा। तो अपन क्या कर सकते, ये हो गया खत्म, आईजीएसटी पेबल जीरो हो गया, अब 2,00,000 का बचा है, अब 2,00,000 को आप किसी भी मैनर में डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी मैनर में। सर आपने जो बताया था हमको कि पहले गम्मत गम्मत माइनस करो, अरे यहां पे माइनस भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैश में भरना ही है। वो कब रहता है, जब
आपके पास में आईटीसी है ज्यादा, पेबल है कम, बट आपने अलॉटमेंट गलत कर दिया, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेस कर देते हैं अपन आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, किसके अगेंस्ट करूं, सीजीएसटी के अगेंस्ट कर देता हूं, 2,00,000 बचा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर आपका मन है तो आप 1,00,000 1,00,000 कर दो। अरे आप कैश आदमी, देखो जो कौन है असेसी है, मतलब टैक्स पेयर है, उसको तो कैश में पे करना ही है, उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कैश में पे करना ही है उसको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहां पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो कैसे भी माइनस कर लो, कितना पेबल आया, 485 बैलेंस पेबल लेस आईटीसी ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रिस्पेक्टिवली, क्या लिखोगे रिस्पेक्टिवली, कितना है 141 जीएसटी पेबल इन कैश एड आरसीएम वाला सप्लाई 9,000 1,50,000 टोटल जीएसटी पेबल वुड बी 3,00,000 ए टू सेड। अब बताओ वर्थ इट है कि नहीं है, ये क्वेश्चन है नहीं है, 10 मार्क्स का वर्थ इट है भाई ये क्वेश्चन? ये गरीब का बच्चा क्वेश्चन, देखो गरीब का बच्चा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी कोई क्वेश्चन है? अरे झेंडू रुको मैं कर दूं, बेटा आप थक गए होंगे, मैं करूंगा, नहीं नहीं मैं करूंगा आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी ओके लायबिलिटी कितना है 2,825,000 ठीक है। आईटीसी कितना अवेलेबल है, पहले आईजीएसटी कितना है 4,000 में से 2,000 इसमें एडजस्ट हो गया, ये हो गया 0। अब 2,000 बचा हुआ है, ये 2,000 काय में से एडजस्ट करूं तो पहले डिपेंड करेगा कि क्रेडिट कितना है, गम्मत माइनस करना है ना, तो यहां लिखेंगे नहीं ना भाई 825,000 ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे बैलेंस लाइबिलिटी ठीक है, ये लिखेंगे आईटीसी ऑफ आईजीएसटी एडजस्टेड अगेंस्ट आईजीएसटी ठीक है। अब गम्मत माइनस करना है 2,000 रुपए, देखो सीजीएसटी का अपना 2,000 का क्रेडिट है, 800 पे करना है 2,000 का क्रेडिट है, तो सीजीएसटी में से एडजस्ट मत करो सर, आईजीएसटी को नीचे नोट लिख रहा हूं मैं, सिंस सीजीएसटी पेबल इज ₹800 एंड आईटीसी ऑफ सीजीएसटी अवेलेबल इज ₹2,000 वी शुड नॉट एडजस्ट आईटीसी ऑफ आईजीएसटी फ्रॉम सीजीएसटी लाइबिलिटी, दस आईजीएसटी का आईटीसी हैज बीन
adjusted fully against SGST liability so that the taxpayer has to pay minimum amount in cash. Yeah, baby, come on. Less ITC of IGST dash 2000 500 ITC of CGST / SGST respectively. Mwah! नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कि नहीं आई आई नहीं क्या? ठीक है, भेजता हूँ वापस, रुको बाबू, उसके लिए कर रहा हूं ये, आप सोच के करना, आपके पास नीचे नहीं आता. ठीक है, बैलेंस आईटीसी कैरिड फॉरवर्ड नील 1200 कितना है, रुको, सीजीएसटी, अच्छा 500 ही था क्या? ओ 500 नील. ठीक है, मारेंगे लाइने, देखो लाइन मारने के बाद कोई भी चीज कितनी खूबसूरत लगती है, मेरे को समझता ही नहीं लाइन क्यों नहीं मारने देते लोग. और तुम लोग को वो दिन वर्षम के साथ हुआ ना कांड, वर्षम देखा कि लड़की चले गई दूसरे के साथ. हाँ समझा, यो तो ये क्वेश्चन कितने का है? हाँ डाल भाई, पर्टिकुलर्स भी डाल दे. अब ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का है. हाँ कुछ भी नहीं दीदी, 4 नंबर का ही है. ठीक है ना, अब मैं बताऊ आपको, सुनो ना, अगर मेरे को मजे लेने कभी बच्चों की, तो मैं ये क्वेश्चन आपको दूंगा और इसमें मैं पूछूंगा आपको कि बताओ, एक सवाल पूछूंगा कि आईटीसी ऑफ आईजीएसटी दैट विल बी यूटिलाइज्ड टू पे एसजीएसटी इज एमसीक्यू में, मैं ये एमसीक्यू बना के पूछ सकता हूं आपको. और ये मैं इसके अलग से एमसीक्यू नहीं देता हूं, ये मैं जब प्रैक्टिकल करवा रहा हूं तभी मैं बताता हूं, क्योंकि अलग से एमसीक्यू बनाओ इतना खाली फुकट आदमी मैं हूं नहीं, ना मेरे को बच्चों को ये लेवल की स्पून फीडिंग करनी है, क्योंकि मेरी स्पून फीडिंग खत्म होने के बाद असली दुनिया शुरू होगी. वहां पे आऊंगा क्या गोदी में लेके घूमने को? नहीं, मैं मेरे 2.5 साल की बच्ची को स्पून फीडिंग नहीं करता, तुम्हारी अलग बात. ये समझ में आया? यहां पे 2 सवाल पूछ सकते, एक कितना आईटीसी कैरी फॉरवर्ड होगा, दूसरा कितना आईटीसी ऑफ आईजीएसटी जो यूटिलाइज होगा फॉर द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी या सीजीएसटी पूछ सकते हैं, इजी पूछना है तो, मतलब इफेक्टिवली पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करना है. बस फर्क यह है कि इसमें पूरा कर रहे तमीज से, 4 मार्क के लिए इतना लिखना पड़ेगा, अगर ये 1 मार्क 2 मार्क के लिए आएगा तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा. समझा? यो बेबी, ये पूरी की पूरी शीट ऐसी की ऐसी एज इट इज एक्सपोर्ट होके आपको मिल जाएगी, चिंता ना करो. अगली क्वेश्चन, वाओ व्हाट ए क्वेश्चन, नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसा, नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी. फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ परचेसेस सेल्स इफेक्टेड बाय मेसर्स टैब और रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर. अच्छा ये क्वेश्चन है ना, आपको शायद कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन 11 पिंक कलर में ना, तो ये मेरी पुरानी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन था, तो मैंने डाल दिया. मैंने अभी थोड़ी क्वेश्चन बैंक अभी वाली अपडेट करी थी, पुराने इसमें ना अलग लेवल के वाहियात क्वेश्चन थे, मतलब रूह कांप जाती उससे बच्चे की. तो फिर बच्चों ने बहुत फीडबैक दिया, सर इतना हार्ड आता नहीं क्यों डाल रहे, मन बोला फिर ठीक है, कुछ कुछ निकाल दिए, बट कुछ कुछ अभी भी टेस्ट में डालता हूं मैं, उसमें से मजा आता है यार भाई. देखो मजे लेने का नहीं है, मैंने तुमको सबसे वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करा, पेपर फुद्दू आया, तुम मेरे नाम से गाली मारोगे क्या? नहीं, तुम बोलोगे सर ने क्या प्रिपरेशन करवाई, पेपर 5-8 था, बट मैंने तुमको सीधे आईसीआई के पीछे के क्वेश्चन करवा दिए, मॉड्यूल के 2-4 क्वेश्चन करवा दिए, 2-4 आरटीपी करवा दी, इजी इजी क्वेश्चन की, 2-4 प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दिए पास पेपर के, इजी इजी वाले, बाकी बेटा तुम कर लेना.
एंड पेपर आ गया हार्ट, तुम मेरे नाम से क्या बोलोगे? दोगे गाले? दोगे? और गाले भी गाले, शादी नहीं निकलती उसमें, क्योंकि अटेम्प्ट लगता ना भाई। सिंपल सी बात है, 6 महीने जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट वक्त होता है। तो अगर किसी टीचर का, टीचर के वजह से बच्चे का अटेम्प्ट लग गया ना, तो मां कसम बच्चा मन से बद्दुआएं देता है, वो मेरे को चाहिए नहीं। जो फाउंडेशन वाले उनको बताया भैया अपना एक्सीडेंट का किस्सा, अपने को बिल्कुल नहीं चाहिए। और उस एक्सीडेंट के बाद तो मैं बहुत श्योर हो गया कि मेरे को नहीं चाहिए भाई, पक्का है। पैसा कम कमाया चलता, बद्दुआ है नहीं चाहिए। ठीक है, चलो देखो एक क्वेश्चन। परचेस रॉ मटेरियल फ्रॉम ए, ओ क्या है, ITC लोकल डीलर, मतलब क्या लगा? CGST SGST बराबर है, इंट्रा है, इंक्लूसिव ऑफ GST एज 5%। ये 86,100 रुपए का अमाउंट 5% का GST इंक्लूड करके है। 86,100 डिवाइड बाई 105%, 82,000 इंटू 5%, 4,100 रुपए का GST है इसमें, जिसमें से 2,050 का CGST है, 2,050 का SGST है। ऐसा कुछ है विषय। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। मैं इसके लिए आपको देता हूं कितना टाइम? 4 मिनट। ठीक है, जो रिकॉर्डेड वाले बच्चे हैं वो इसको पॉज करके सॉल्व करेंगे। नहीं नहीं ठीक है, रहने दो, रहने दो इसको, इसको रहने दो अभी के लिए, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन अपन ने कर रखा है, कराए? अरे ऐसी टाइप का ये कराया अपन ने, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, फिर ये इंट्रास्टेट परचेस, इंटरस्टेट परचेस, ये ITC का बैलेंस है अपने पास पड़ा, ITC का बैलेंस अपने पास पड़ा है इतना, और आपको बोला है कि भैया मिनिमम अमाउंट कैश में कितना पेबल है। ये सेम टू सेम वो क्वेश्चन है जो अपन ने 49(5) ITC करने के बाद में मैंने आपको पढ़ाया था, उसका ही एक क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब उसमें फिगर्स बदलेंगी, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सेम टू सेम, जिसमें आपको सप्लाई की डिटेल्स देंगे, जिसमें आपको परचेसेस की डिटेल्स देंगे, जिसमें आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC की डिटेल्स देंगे, आपको एडजस्ट करना है। तो बेसिकली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 49(5). ओके डन करो, एक बार आप ट्राई करो, फिर अपन करते हैं। हाँ, ये करस्पॉन्डिंग चेंजेस कर लो, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, ये इंटरस्टेट सप्लाई होना चाहिए 2 लाख, फिर इंट्रास्टेट परचेस, इंटरस्टेट परचेस 50,000, ये IGST होना चाहिए ऑब्वियसली, UT GST गलती से आ गया है वो। करिए जल्दी इसको, प्लस अपन है ना इस बार सुनो, इस टाइप के क्वेश्चन है ना बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो इस बार अपन इसका फॉर्मेट जैसे कुछ तो एक दिमाग में डाल लेंगे कि क्या करना है अपने को। ठीक है, बट आप शुरुआत करो, आपसे मजा आ रहा है ना। चलिए, आई होप सब लोगों ने कर लिया होगा, कोई बचा है? नहीं। अब देखते हैं अपन क्या करना है। हाँ जी, हो गया कि बचा है? बहुत टाइम लग रहा है दीदी, इतना टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी जल्दी कर। क्या करूं मैं? IGST, CGST और SGST। वैल्यू वैल्यू लिखू क्या? हाँ लिखना पड़ेगा, वैल्यू पर्टिकुलर्स। ओके पर्टिकुलर्स, वैल्यू CGST, SGST और IGST। ओके, और ये करके रख रहा हूं मैं कॉपी, कॉपी। रुको भाई, हो गया ना तुम्हारा? आउटवर्ड सप्लाई, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस GST लाइबिलिटी, पहला इंट्रास्टेट सप्लाई CGST 9%, SGST 9%। हो गया क्या बाबा? 6 लाख, 6 लाख का 9%, 54,000 CGST, 54,000 SGST बराबर है। दूसरा इंटरस्टेट कितना है? 2 लाख, 18%,
36,000 का आईजीएसटी टोटल, जीएसटी 54, 54, 36,000, यस, लेस आईटीसी, कितना आईटीसी अवेलेबल है आपको टोटल कैलकुलेशन करना पड़ेगा आईटीसी का, ठीक है। मैं स्टेटमेंट नहीं निकाल रहा हूं आईटीसी का, आपको निकालना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस प्लस जो हमने परचेस करा है। नहीं चलो ठीक है कर लेता हूं मैं, पेस्टी तो करना है ना अपने को। कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबल, ठीक है आप पूरा लिखोगे अवेलेबल। पहला इंट्रा स्टेट परचेस, दूसरा इंटर स्टेट परचेस, पहला है 4,00,000, इंट्रा है मतलब 4,00,000 का 9%, 36,000, 36,000 डैश ये कितना है 50,000 का 18%, 9,000, ठीक है। ऐड ओपनिंग बैलेंस यही कर देंगे और ये हो जाएगा टोटल बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है 15,35,000 हो गया था, गलती हो गया था, भसड मच गई थी, मच गई थी, गए थे मार्क। कितना 15,000, 35,000, 20,000 और ये घाई घाई में हो गया था। क्यों मालूम है क्या, क्यों मालूम है, मेरे को पता था आंसर आ रहा है मेरे को, जब आपने को आंसर आता ना भाई चलो जल्दी खत्म कर देते, होता है, और मेरे साथ जेन्युइनली हुआ था, इस बार स्लिप ऑफ पेन भी नहीं हुआ था, लिख दिया फॉर्म फॉर्म में, यहां पे एन ए 51, 71, 29, यो बेबी अब 29 36 में से एडजस्ट होगा, पेस्ट। ग्रॉस लाइबिलिटी, इसमें वैल्यू की जरूरत नहीं है पर मेरे पास वैसे के वैसे था इसलिए मैंने लिखा, वैल्यू का नहीं चाहिए अपने को। ग्रॉस लाइबिलिटी बताओ कितनी है, 54, 36 लेस आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, ठीक है कितना 29, ठीक है। बैलेंस 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 खेलना है, 54,000, 54,000, 7,000 नाउ लेस आईटीसी ऑफ सीजीएसटी कर लो एंड एसजीएसटी रेस्पेक्टिवली, पहले अपना देखना याद है तुमको, हाँ कितना है बाबू, ओहो हो हो यहां भी लिखूंगा ना भाई मैं, अबे गधे ये तो आदमी सरका नहीं गए थे, हड्डियां सरक गई, यहां लिखना पड़ेगा ना दीदी खुशी, क्या लिखना पड़ेगा बैलेंस जीएसटी पेबल। ये थोड़ा ज्यादा ही सिस्टमैटिक हो रहा है बट इतना अपने को करना नहीं है पर अभी कर ले रहा हूं ना, एक बार तो करना है। कितना है सीजीएसटी का, कितना है 51 सर, सीजीएसटी खुद का ही देख रहा है सर, सीजीएसटी को आईजीएसटी से करना क्या एडजस्ट कर सकते, पहले अपना, पर याद है तुमको क्या बोला था मैंने पहले, हाँ बरो ठीक है। इधर कितना 54 में से 54, ठीक है ये हो गया जीरो, ये हो गया पेबल कितना है 3,000 पेबल है और एसजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है अपने पास 71 में से 54, 71,000 माइनस 54,000 17,000, ठीक है यहां लिखेंगे बैलेंस वापस से और लेस करेंगे आईटीसी ऑफ एसजीएसटी यूज्ड अगेंस्ट आईजीएसटी और नीचे नोट देंगे कि भैया
SGST का ITC cannot be used for the purpose of CGST. Cross utilization of SGST with is not allowed from CGST. ऐसा CGST SGST का cross utilization allowed नहीं है. Cross utilization लिखा मेरी लड़की लेके जा, सीधा बोलता है. ठीक है examiner, ये एने नील और यहां पे 7000, ये भी हो गया नील नील और ये 3000 पेबल इन कैश. और नीचे नोट देंगे कि 10000 का जो एससीएसटी का आईटीसी है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा, ये सीजीएसटी के अगेंस्ट यूज नहीं होगा. गॉट इट बेबी? आ गया. क्या बात है, बात यहां रुकी नहीं है. मां कसम देखो तो सही. अब देखो, सुनो ना सुनो ना सुनो ना, अब तुमको समझेगा कि धीरे धीरे रिपीट हो रहा है. इंटरेस्ट नहीं नहीं कोलकाता नहीं, 1 लाख का है. हाँ नाम ही बदलाव लग रहा है सर. फरवरी पर उसमें 4 आइटम थे, इसमें 7 आइटम. ठीक है, 7 के बाद 2 है. ठीक है ना, 2 लोग का 7 होता है ना, इसलिए 7 7 ऐसा है. अब देखो इंटरेस्ट रेट 1 लाख का एडवांस है, पूरा का पूरा 15 फरवरी में मिला है, तो जनवरी में जो एडवांस मिला है वो फरवरी में टैक्सेबल होगा. नोट क्या देना है याद है तुमको? एज पर सेक्शन 12 रेड विद नोटिफिकेशन नंबर 66/ क्या बात है? मतलब अभी धीरे धीरे, जैसे सुनो, जैसे तुम 15 क्वेश्चन बना लोगे ना, तुमको सब सेम टू सेम ही लगेगा. अब देखो यहाँ पे परचेस ऑफ गुड्स, वहां पे अनरजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ कंपोजिशन डीलर से लिया है, तो कंपोजिशन डीलर ने हमसे जीएसटी नहीं कलेक्ट कराऊंगा तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, भूल जा, ये गरीब भाग यहां से. लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग, क्लब फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन फैक्ट्री इट इज इंटरेस्टेड, नो आईटीसी, नो आईटीसी, ये रिपीट है. ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू स्पोर्ट्स, SAC स्पोर्ट्स आर्ट कल्चर्स, याद है तुमको? हाँ, एग्जामिनेशन में कहीं तो भी था सर, ये क्वेश्चन गाय गाय, क्वेश्चन गाय गाय. मैंने बोला पेमेंट ऑफ जीएसटी का ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई, ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई, नीचे कंपोजिशन है, फिर वो एग्जामिनेशन था, ये वाला, ये आईटीसी था, ये आरसीएम था. ठीक है, ये एग्जम्पशन आ रहा है, ओके. फिर बाद में देखो नीचे क्या है, एनुअल डे, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू हायर सेकेंडरी स्कूल, अरे बाप रे, ना ना बाबू, स्कूल वाला एजुकेशन टू एजुकेशन बाय एजुकेशन स्कूल कॉलेज. और ये इनपुट्स रिसीव्ड इन 4 लॉट जिसमें से सेकेंड लॉट इस महीने आया, मतलब तीसरा चौथा लॉट आना आया नहीं अभी तक, इस पे का आईटीसी नहीं मिलेगा. वाह, फिर ये ओपनिंग आईटीसी दिया है और तुमको क्या बताया भाई, ये 2.5 करोड़ का टर्नओवर है, सब कुछ सेम टू सेम है. करो भिड़ाओ, अब थोड़ा सा तो करो, कितना इसको 2 मिनट लगना चाहिए. अच्छा एक मिनट, अब इसका पूरा आंसर नहीं लिखना है अपने को, अब इसका आंसर निकालना है, अब पूरा इसका थोड़ी आंसर. देखो ये मजूरी हो जाएगी, फिर ऊपर वाली इसमें से 4 कितने 7 में से 6 चीजें तो 5 चीजें हमने कर रखी है, बाकी अब पूरे हर थोड़ी लिखते बैठेंगे. अब ये क्वेश्चन को सुनो सुनो सुनो, ये क्वेश्चन को करने के बाद, इस क्वेश्चन को करने के बाद जो पहला क्वेश्चन है ना, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, इसको लिख दो. तेरे से अच्छी वाली मिल गई है इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं, बेवफा ही है भैया. अब देखो 2 मैनेज नहीं होती ना, तो अब विच एवर इज लेटर भी नहीं आता यहाँ पे, विच एवर इज बेटर आता है. तो अगर आपको आगे चलते चलते दूसरा क्वेश्चन अच्छा मिल गया तो पुराने वाले क्वेश्चन को उड़ा देना. अगर ये क्वेश्चन 5-6 रहता, पुराना अच्छा रहता, तो इसको बोलते भाई तू भाग यहां से. ठीक है, ओके,
लाओ आंसर, अपन मैच करेंगे। ऐसी बातें नहीं सिखाना भाई, जिंदगी का सार बता रहा हूं मैं तुम्हें। हाँ भाई हो गया क्या बच्चा बेटी? अब मैं आपको समझाता हूं कि रफ में आंसर कैसे लाते। उत्कर्ष का कहना है कि सर फेयर में करता हूं, इतने क्वेश्चंस फेयर में बना पाएगा क्या एग्जाम के एक दिन पहले? नहीं, तो अपने को 15-20 क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखने जो पूरा लिखेंगे। और देखो मैं बता रहा हूं, ये जो स्ट्रैटेजी होती है ना कि एग्जाम के एक दिन पहले सारे क्वेश्चन लिख के देखूंगा, ये स्ट्रैटेजी एक नंबर की बावली है, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता। आप एग्जाम के पहले 10 क्वेश्चन लिख सकते हो मैक्स, कितने 10, बट एग्जाम के पहले, एग्जाम के पहले दिन नहीं, एग्जाम के पहले इतने सारे क्वेश्चन लिख लेने चाहिए कि ये जो हाथ है ना हाथ, इसको आदत पड़ जाए। नहीं तो एग्जाम के पहले दिन आपने 100 भी क्वेश्चन लिख लिए तो आपकी रिविजन कंप्लीट नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात, वो 100 क्वेश्चन से भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्योंकि आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो। तो द स्ट्रैटेजी शुड बी, एग्जाम की प्रिपरेशन जब कर रहे हो, जब रिविजन कर रहे हो, तब इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है कि अपने हाथ को ये आदत लग जाए, और फिर उन क्वेश्चन को सिलेक्ट करके रखना है सो दैट एग्जाम के पहले वो 2-3 क्वेश्चन अपन बना पाए, जिसमें से एक क्वेश्चन ये होगा आपका नीलकंठ का, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में 3-4 चीजें कवर करता है। मैं बताता हूं क्या क्या। ये पहला एडवांस है, पूरा 4 लाख रुपए है, इंट्रास्टेट है, मैं अभी यही पे लिख रहा हूं साथ साथ में, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। मैं सिर्फ सीजीएसटी और आईजीएसटी लिख रहा हूं क्योंकि जितना सीजीएसटी है उतना ही एसजीएसटी रहेगा, स्मार्ट, ठीक है। 1 लाख 18% है, 4 लाख का 36,000, ठीक है। ये 0, ये नो नो, ये टैक्सेबल है, इंट्रास्टेट है, 1 लाख का 9,000 एनए, क्लब आईटीसी नहीं मिलता, ठीक है। ये इनवर्ड है, नो आईटीसी, यहां पे 2 लाख का इंटरस्टेट है, 12% है। अब नीचे तो रेट दिया है 18%, पर ये ट्रांजैक्शन बोलता है ना मैं 12% लेता हूं, तो 12, 2 लाख का 12, 24,000 का आईजीएसटी। ये आईटीसी है तो मैं माइनस में लिख रहा हूं, ये आईटीसी है तो मैं माइनस में लिख रहा हूं। ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू स्पोर्ट्स, अब बचपन में मैंने तुमको बताया था स्पोर्ट्स आर्ट कल्चर, अगर ये चैरिटेबल ट्रस्ट देता है तो एग्जम्प्ट है, एसएससी, नीलकंठ प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोवाइडेड बाय, ये दे रही है तो भैया टैक्सेबल है, इंटरस्टेट है तो 1 लाख का 10,000 का 18% 1800। हाँ इस पे जीएसटी लगेगा, माफ करू ना, कर दिया इस बार करा। इंटरस्टेट सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एबीसी हायर सेकेंडरी स्कूल, ध्यान से सुनना, अगर स्कूल वालों को सिक्योरिटी सर्विसेज दिया, मैंने बोला था तुमको तुम वॉशरूम गंदा करते हो, वहां पे हाउस क्लीपिंग सर्विसेज, तुम्हारे वॉचमैन अंकल बाहर बैठे रहते हैं ताकि कोई भी स्कूल में आके तुमको किडनैप करके ना लेके जाए, वो सर्विसेज एग्जम्प्ट है अगर स्कूल में दी तो। अब ये स्कूल वालों को एनुअल डे फंक्शन इन्होंने मनाया बाहर कहीं ऑडिटोरियम में जाके, वहां पे सर्विसेज लिया तो जीएसटी लगता आउटसाइड द स्कूल कैंपस, अब ये ध्यान में रखना है। वहां मैंने बताया था स्कूल में दिया, स्कूल में दिया, स्कूल में दिया, बट उसमें क्वेश्चन नहीं था ना कि स्कूल के बाहर काई के लिए देते, एनुअल डे फंक्शन है, ऑडिटोरियम बुक करे हुआ है, ये बच्चे नाच रहे, झेंडा ऊंचा रहे, हमारा भारत माता की जय, सबसे प्यारा हमारा हिंदुस्तान, हमारा सारे जहां से अच्छा, कोई आके उड़ा दे पाकिस्तान बॉम्ब डाल दे तो उसके लिए सिक्योरिटी सर्विसेज लिया, इस पे जीएसटी लगता। 15,000 इंटू 18% आईजीएसटी है 2700 का। ये सर्विसेज इनपुट्स रिसीव्ड इन 4 लॉट्स, जिसमें से 2 ही लॉट्स मिले, इसका आईटीसी नहीं मिलता अभी तक, नो आईटीसी, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, है ना, थोड़ा सा मेरे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है इससे। ऊपर लिखा है ये सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है,
ठीक है, नीचे लिखा है कि भैया ये ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज दे रहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फिर ये सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहे, ऐसे लग रहा है ना तुमको भी लग रहा है क्या? अरे स्कूल को दिया किन्होंने दिया, ये नीलखंड प्राइवेट लिमिटेड ने ही दिया है। तो मेरे को है ना हमेशा मेरे को इंट्यूशंस बोलते हैं यार ऐसे कैसे होंगे कि सिक्योरिटी सर्विसेज भी दे रहे हैं, फिर उसके बाद में ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू स्पोर्ट्स भी दे रहे हैं, ऐसे कैसी ऑर्गेनाइजेशन होंगी? होंगी, अपने क्या करना है तो है, तुम उसमें शक मत करो कि भैया तू कैसे पैदा हो गया, वो हो गया दे रहा है, तुम बताओ लगेगा नहीं लगेगा, समझे ना? तुम अपने दिल को बोलो बेटा सो सो, रुक जा, शांत समझ जा, दिल समझ जा जरा, ठीक है। उसके बाद ये आईटीसी का बैलेंस पड़ा है, ये अगेन यूटी जीएसटी नहीं है, ये आईजीएसटी होना चाहिए। लो भिड़ाओ अब तो भिड़ाओ। और नीचे देखो, नीचे नोट क्या दिया है, रेट मालूम है, इनवर्ड आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस मालूम है, आईटीसी कंडीशन मालूम है, टर्नओवर 2.5 करोड़ है मालूम है, मतलब कंपोजिशन नहीं है, ठीक है। मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश बताओ भैया, चलो करो, अब मैंने बता दिया, अब खुद से करो, ठीक है। चलो देखो अभी यहां पे हमारे पास सारे के सारे इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई ही है, हमने जो दिए है उसका टोटल मार लेते पहले। इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, 36 और 9 45, ठीक है। आईजीएसटी है 1800 + 2700 4500, यही है। और ये आईटीसी है उसका, ये आईटीसी में ऐड हो जाएगा प्लस 24,000 यहां पे, हाँ कि ना? अब देखते हैं भैया, देखो 45 45 4500, ये टोटल का अपने को कुछ नहीं करना है, ये टोटल नॉनसेंस है। ये आंसर में ये सारे के सारे नोट्स दे रखे हैं। आईटीसी देखो 57 नील 50 ओपनिंग आईटीसी है, उसमें 24,000 का ऐड हो जाएगा तो ये 7457 आ गया। आईटीसी पेबल कितना है, पेबल कितना है, आईजीएसटी पेबल कितना है, 4,500। आईटीसी कितना है, 50 और 24 74,500, बाप रे, माइनस 4,500, 74,500 में से 4,500 गया, नहीं 74 है ना बेटा, 74 है, 50 और 74 है उसमें से गया, तो रहा 69,500 का आईटीसी बचा है आईजीएसटी का, बराबर। अब एसजीएसटी और सीजीएसटी कितना पेबल है, 45 45, एसजीएसटी पेबल है, सीजीएसटी पेबल है कितना, 45K 45K, और उसका आईटीसी कितना है, सीजीएसटी का कितना है, 57 है, मतलब सीजीएसटी खुद अपने आप में सक्षम है। तो बोलता है इसमें से मत एडजस्ट करो, ये 69 है ना 500, वो 45 इसका कर लो, एसजीएसटी का वैसे भी कुछ था ही नहीं अपने पास। यहां पे देखो इनने ऐड करा है कंपोजिशन डीलर से, फिर नील 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 करा है, ये ऐड नहीं भी करते और सीधा नीचे नोट देते ना तो भी चलता, आप यहां पे ऐड करना चाहते हो कर लो। अब 45 एडजस्ट हो गया, ये पेबल हो गया 0, इसमें से 45 अपन ने यूज कर लिया एसजीएसटी के लिए, अब बचा कितना, 24,500। अब ये रहन दू क्या सर, पर सीजीएसटी तो सक्षम है, अरे भाई बट सेक्शन 49 सब सेक्शन 5 कहता है कि आईजीएसटी पहले खत्म करो, 24,500 इसमें से माइनस करेंगे 20,500 पेबल है, कितना क्रेडिट था 57 माइनस 20,500 खुद का, 57 में से 20,500 36,500 अगले बार कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, समझा बच्चा? आया आंसर रफ में? सर हमको पूरा चाहिए, लो बेटा लो आंसर लो, ये आंसर यहां से, ठीक है। ये टोटल जो इन्होंने दिया है अपने को निकालने की जरूरत नहीं है, क्या हो गया बाबू? ठीक है
या आईटीसी तक लाके छोड़ दिया है। अब बातें आपको करो, अगली क्वेश्चन ये क्या है, ये करना है सर, ये करना है। बोले एक बार कर लो यार, ऊपर ऊपर से तो निकाल लो, ऊपर ऊपर से तो निकाल लेते। सप्लाई सप्लाई परचेस है, इंटरेस्ट रेट है, मतलब सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का। देखो ये ना करो तुम, ए इधर 5 लाख है, 9%, 5 लाख का 9% कितना होता है, 45,000 ऐड कर दूं क्या इसमें? अरे आप समझ रहे हो क्या मैं क्या कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली ऐड कर ले रहा हूं, ठीक है ये हटा देता हूं, ठीक है ये जो अपन ने परचेस करा है उस पे अपने को आईटी से मिला है, ऐड परचेस, ये ओपनिंग बैलेंस है, सीजीएसटी 5 लाख का 9%, 45,000 का सीजीएसटी लगा होगा, 45,000 का एसजीएसटी लगा होगा, ये इंट्रास्टेट परचेस है इसलिए, उत्कर्ष इंट्रास्टेट लिखा है इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है ना, ये तो बाद में तो बोलेगा। बैलेंस कितना पड़ा है, 65, 75, अरे यार 25, ठीक है। जीएसटी लाइबिलिटी कितनी है, जीएसटी लाइबिलिटी निकाल रहा हूं मैं रफ में, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी इंटर है 10 लाख का 18%, 1,80,000, ठीक है, और इंट्रास्टेट है 2 लाख का 9%, 18,000 डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, अपने को ऐसे नहीं करना है, फॉर्मेट पता है, ठीक है। लेस आईजीएसटी कितना है, 25, भैया बच गया कितना है, 1,55 ये बैलेंस है, पर अभी यूज कर लू क्या, नहीं सर पहले अपनी धो लो। सीजीएसटी 18 माइनस हो गया इसमें से, 18 गया कितना बचा, 47 बचा, बराबर इसमें से 18 गया कितना बचा, 57 बचा, आईटीसी बचा है ये 18 एडजस्ट हो गया, खुद का क्रेडिट, ये नील हो गया, ये भी नील हो गया, बट आईजीएसटी बचा हुआ है तो वो कहां से यूज होगा, -47,000 सीजीएसटी एडजस्टेड, -57,000 एसजीएसटी एडजस्टेड, 1,55 -47 -57, 51,000 कैश में पेबल है बाबू, ठीक है। अब कोई अगर झेंडू ऑनलाइन है वो यहां जंप हुआ, बहुत फास्ट लग रहा होगा स्टार्टिंग से, देखना लायक, ओके। हाँ जी ऊपर वाला दिखाओ, ले बेटा ले, उसके ऊपर वाला दिखाओ, ले आंसर दिखाओ, ले ये 51,000 पेबल आया, नहीं हाँ कैश में पेबल, हाँ इनने उल्टा लिखा ना इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ये है क्या दिखाओ, नीलकंठ ये लो, इसमें से आईटीसी, अच्छा ये चाहिए तुमको, लिखो ये ले ना ले समझो, इसलिए मैं बोलता हूं कि जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ना तब मेरी तरफ ध्यान देना, इधर उधर नहीं, अरे तेरा आंसर क्या है बता बता बता। हाँ एक घंटा 20 मिनट डार्लिंग, 1 घंटा 20 मिनट वहां देख लेना, ठीक है समझ गया ना, शाबाश, वो आंसर टैली कर रहा था अपना। हाँ थाईराज अपना हर्षराज का है, हर्षराज दिस इज द ट्रिब्यूट टू यू, एक हर्षराज और दूसरा कौन सा राज, शिवराज, दो दो राज है, या थाईराज थीराज है क्या, हर्षराज थाई स्पा में गया तो उसका नाम थाईराज हो जाएगा। हाँ किसको ब्रेक चाहिए, आधी घंटे बाद ब्रेक, फालतू की बातें मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, 6 मार्क का क्वेश्चन है ये, 6 मार्क का क्वेश्चन, की लेंथ देख के नहीं लग रहा होगा पर वो प्रणव जांडक की फॉर्मेटिंग है इसलिए, अगर यही बुक में दिया है तो आधे पेज का रहेगा वो, ठीक है। देखो कर्नाटका के ए ओके
चलो बनाओ इसको, क्वेश्चन को बना, पॉज करके बनाएंगे रिकॉर्डेड वाले बच्चे। चलो हो गए। मिस्टर थिराज, अ रजिस्टर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस इन बैंगलोर कर्नाटका हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2021। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली नवंबर 2018 में आया था, तो इस अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट दे रखिए। इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस 5,20,000 IGST लगेगा, 46,800 का इंट्रा है। ओके, 5,20 × 9% 46,800 CGST, 46,800 SGST। लीगल सर्विस पेड टू लॉयर लोकेटेड विद इन द स्टेट, इंट्रा स्टेट है, सेम स्टेट में है तो, और लीगल सर्विसेज दिया नहीं, लीगल फीस पेड टू द लॉयर, मतलब इसने पैसा दिया है, मतलब सर्विसेज लिया होगा, बराबर है। तो RCM पे ये खुद टैक्स भरेगा, RCM, ठीक है, 20,000 का 9% 1,800 रुपए CGST, 1,800 रुपए SGST। रेंट पेड टू गवर्नमेंट फॉर ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस गवर्नमेंट से ऑफिस किराए पे लिया है और उसका रेंट पे कर रहा है कितना, 30,000, 30,000 का 9% 2,700 रुपए 2,700 रुपए। ये RCM वाले सप्लाई है दोनों, ये दोनों RCM वाले सप्लाई है, 4,500 रुपए 4,500 रुपए ये टोटल मिला के दोनों की हो रही है। ये कैश में पे करना पड़ेगा, प्लस ये इनवर्ट सप्लाई है, इनवर्ट सप्लाई पे का इसका क्रेडिट भी मिलेगा बाद में, बराबर है। फिर यहां बोला है कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन किसको दिया, लव ऑल यूनिवर्सिटी पुणे को दिया है। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो गया 16,000, ये एग्जम्प्टेड है, ठीक है। आंसर क्या आएगा थिराज का, ये टैक्सेबल दे दिया है 16, एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट है, ये नहीं लगेगा, इतना अमाउंट आएगा। कैलकुलेट द नेट GST लाइबिलिटी, ये इसमें से IT से मिल जाएगा, ये RCM वाले सप्लाई है, इसका IT से मिल जाएगा, इतना पे करना पड़ेगा। ITC कुछ है भी नहीं है, मतलब ओपनिंग बैलेंस नहीं है ना, सिंपल। इसके बाद ये क्वेश्चन है सेम है, अगला क्वेश्चन सेम है, इसकी बात ना करें, करूँ क्या सॉल्व, जरूरत नहीं लग रही है, बन जाएगा आपसे, इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम ही है, वही URP वाला, अरे सेम है ना, ऑलमोस्ट सेम लाइन ऑफ क्वेश्चन अपन ने सेकंड में कर रखा है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, आप चेक कर लेना, अपना सॉल्व कर लेना खुद से। मैं वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेम टू सेम ऑलमोस्ट सेम सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो कोई सेंस बनता नहीं है वापस उसमें टाइम डाल के, क्योंकि वेराइटी अपने पास बहुत सारी है। अब देखो यहां पे ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ रहा हूं, क्योंकि जो क्वेश्चंस करने थे अपने को अपन ने वो कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन मिस्टर ग्रे का, मेसर्स ग्रे, बराबर है, ठीक है। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ये करा है इन्होंने, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, एक मिनट इसको साइलेंट में करने दो। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है, 1,00,000 रुपए का सप्लाई करा, इंटरस्टेट है, IGST कलेक्ट करा होगा। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ 500 पैकेट्स ऑफ डिटर्जेंट ऑफ ₹400, 500 पैकेट 400 रुपए के, मतलब 20,000 रुपए हो गया, बराबर है। अलोंग विथ अ प्लास्टिक बकेट वर्थ 100 each विथ अ पैकेट, ये कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का क्वेश्चन है। अरे डिटर्जेंट के साथ बकेट फ्री, क्या ये हमेशा दिया जाता है, नहीं, मिक्सड सप्लाई है, तो मिक्स सप्लाई में क्या होगा, हाईएस्ट वाले का रेट लगेगा, बकेट का जो रेट है 28% वो पूरे पे लग जाएगा, तो कितना हो गया 500, ये अलोंग विद अ प्लास्टिक बकेट वर्थ ईच बीइंग अ मिक्स सप्लाई, तो 500 पैकेट के साथ 500 × 500 250,000 रुपए का सप्लाई हो जाएगा, इस पे एट द रेट ऑफ 28% का GST लगेगा। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल, याद है तुमको, ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल सिर्फ कॉलेज वालों को दिया तो माफ है, स्कूल वालों को नहीं, मैंने बताया था बचपन में स्कूल में बच्चों को मैगजीन थोड़ी पढ़ाते, बिगड़ जाएंगे। टू मेसर्स पिनाकल प्राइवेट कोचिंग सेंटर, अच्छा इनको दिया, भैया ये तो भूल ही जाओ, टैक्सेबल है, ठीक है, इस पे GST लगेगा। हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग इनवर्ट सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई मिले हैं इनको, इंट्रास्टेट सप्लाई, 20,000 का इनवॉइस मिसिंग है एंड नो अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल, मतलब 50,000 रुपए का ही सप्लाई रहेगा जिस पे IT से मिलेगा,
फिर उसके बाद रिपेयरिंग ऑफ बस विद अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 220 पैसेंजर, मोटर कार बस है तो बस का आईटीसी मिलता है, तो बस का आईटीसी मिल रहा है तो उसके रिपेयरिंग का भी आईटीसी मिलेगा, बराबर है, ये मिल जाएगा। फिर ये ओपनिंग बैलेंसेस है, बाकी सब कुछ सेम है, आप कर लेना उसको। ये मैं, अच्छा रुक जाओ, जो बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना उसको, ये वाले आंसर्स को, और तुम्हारे ग्रुप में भेजता हूं, ठीक है? हाँ ये शीट भेजता हूं ना तुमको अभी के लिए, अब ये देखो हो गया सेम टू सेम, हाँ बस वही है 50, ये भी मिल गया 50 का, और ये तो ठीक है नॉर्मल ही है, मतलब कुछ खास नहीं है इसमें। उसका अगला क्वेश्चन, इंट्रास्टेट इंटरस्टेट रॉ मटेरियल 70% ऑफ इनपुट्स वेर यूज्ड एंड 30% वेर इन स्टॉक, क्या फर्क पड़ता है? स्टॉक में पड़ा है, रजिस्टर्ड सप्लायर है, इसने आउटवर्ड सप्लाई दिया 85 लाख का, 15 लाख का इंट्रास्टेट है, 85 लाख का इंटरस्टेट है, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी रिस्पेक्टिवली लगा होगा, हाँ ना? फिर ये इनवर्ड सप्लाई परचेस का है, रॉ मटेरियल ए परचेस करा इन्होंने, जिसमें से 70% ऑफ इनपुट्स जो आपने प्रोक्योर करे थे परचेस करे थे उसको यूज कर लिया, और 30% अभी भी स्टॉक में बचे थे, तो क्या कभी ऐसा है कि इनपुट्स जितने आप इस महीने यूज करते हो उतने का ही आईटीसी मिलता है? नहीं, तो पूरे के पूरे 100% का आपको आईटीसी मिल जाएगा। रॉ मटेरियल बी, बी जिसमें से 90% मटेरियल जो फैक्ट्री में रिसीव हो चुके हैं एंड रिमेनिंग 10% का मटेरियल रोड एक्सीडेंट ऑन द वे टू फैक्ट्री हो गया है और देर वॉज नो निग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ KNK लिमिटेड, मतलब ये नॉर्मल लॉस है, इनकी कोई गलती नहीं है भाई, तो पूरा का पूरा आईटीसी मिल जाएगा, बरोबर है? कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री, याद है तुमको, प्लांट एंड मशीनरी का आईटीसी मिलता, बट बिल्डिंग पाइपलाइन, पाइपलाइन बिल्डिंग, पाइपलाइन प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आती है, तो इसका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस चार्जेस फॉर ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रक मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, बस वाले को अलाउड है, गुड्स का वैसे ही अलाउड है, हाँ कि ना? गुड्स का अलाउड है तो उसके इंश्योरेंस के चार्जेस भी अलाउड है, यस बेबी, यस, ये बाकी दे रखा है। डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई आर अवेलेबल इन 2A लिखा है, अब ये GSTR 2B रहेगा आगे से, अब आप बड़े हो गए, 2A नहीं अब 2B चलता है, और अब आप बड़े भी हो चुके हो तो ये 2A को काट दो, पुराना क्वेश्चन है इसलिए 2A लिखा है, 2A का, 2A एक स्टैटिक वर्जन है, 2B एक डायनामिक वर्जन, सॉरी 2A एक डायनामिक वर्जन है, 2B एक स्टैटिक फॉर्म है, तो वो वंस इन अ मंथ अवेलेबल होता है और उसके बेसिस पे क्रेडिट मिलता है, अब क्रेडिट GSTR 2B के बेसिस पे मिलता है, ठीक है ना? क्रेडिट क्यों पता है क्या? देखो किसी ने 10 या 11 तारीख है ड्यू डेट, GSTR 1 भरने की 10 या 11 है, डिपेंडिंग ऑन आपका टर्नओवर कैसा है। अब अगर 11 या 13 तारीख को किसी ने GSTR 1 भरा तो उसने GSTR 1 टाइम लिमिट के बाद में भरा है, तो भी मेरे 2A में ऑटो पॉपुलेट हो जाता था और मैं उसका क्रेडिट बुक कर लेता था, बट अब बोल दिया उन्होंने कि नहीं 2A के बेसिस पे नहीं 2B के बेसिस पे मिलेगा, और 2B में जो GSTR 1 लेट भरा गया है उसका क्रेडिट इस महीने नहीं रिफ्लेक्ट होता, मतलब 2B में वही क्रेडिट रिफ्लेक्ट होता जो ड्यू डेट के पहले सप्लायर ने भरा है। अगर आप, मैंने आपको सप्लाई दिया, मेरा 1 है आपका 2A 2B है, मैंने 12 तारीख को अपना GSTR 1 भरा तो GSTR 2A में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बट 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा इस महीने में, अगले महीने में रिफ्लेक्ट होगा, तो जो भी आपकी लायबिलिटी है वो आपको कैश में पे करनी पड़ेगी इन स्पाइट ऑफ आईटीसी आपके पास होने के बावजूद भी, ठीक है? ओके, नॉट रिफ्लेक्टिंग इन 2A, रॉ मटेरियल उसने भरा ही नहीं है तो आईटीसी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, अब आईटीसी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा काय का? रॉ मटेरियल A का, ये वाला, ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि उसने, आगे वाले ने नहीं भरा तो मेरे को नो आईटीसी मिलेगा, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा बेटा,
मतलब आईटी से मिल गया, आईटी से मिलता है पर आगे वाले ने नहीं भरा, तो मेरे 2A में रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, तो मेरे को मिलेगा ही नहीं। मतलब ये भी कंडीशन हो सकती है नीचे एडिशनल पॉइंट में। लो भाई मजे करो ऐश, ठीक है। देखो बी का मिला, पाइपलाइन का नहीं मिला, इंश्योरेंस का मिल गया, रॉ मटेरियल ए का 5,000 का क्यों मिला? अरे नहीं 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 नहीं, अब नहीं मिलता ऐसा, अब ये नहीं मिलता। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, मैं बताता हूँ आपको एक और पॉइंट क्या है। ये पहले हुआ करता था, अभी एक और क्वेश्चन है वो इररिलेवेंट हो गया है। एक्सेप्ट फॉर रॉ मटेरियल ए फॉर विच सप्लायर हैज नॉट फाइल्ड GST, हेंस करस्पॉन्डिंग ITC इज नॉट रिफ्लेक्टिंग। अब देखो क्या होता था पहले, पहले ऐसा होता था कि भैया अगर सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं करे, सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं करे तो उसका कुछ परसेंटेज आपको ITC मिलता, ये बोल के कि भैया सप्लायर अपलोड नहीं कर रहा है तो उसमें रेसिपिएंट की क्या गलती है, इसने तो ईमानदारी से लिया है। पहले 20% था, 20 का 10 हुआ, 10 का 5 हुआ और पिछले साल उसको गायब कर दिया था। आज क्या कंडीशन है कि अगर सप्लायर ने नहीं भरा उसका GSTR1 या IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी नहीं भरा तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये सॉल्यूशन जो है ये तो पुराना है बट अपने को यहां पे नहीं मिलेगा। रॉ मटेरियल ए की बात कर रहा था ना, हाँ रॉ मटेरियल ए का बिल्कुल नहीं मिलेगा। नोट 3 में दे रखा है यहाँ पे कि भैया 5% तक मिलता है, लिखा है ना यहाँ पे 5% तक मिलता है, अब नहीं मिलता, अब नहीं मिलता है, ये बदल गया है। अब जितना वो अपलोड करेगा उतने ही इनवॉइस का आपको ITC मिलेगा। और ये 5% लिखा है ना, पहले 20% था, फिर 10 हुआ, फिर 5 हुआ और पिछले साल फाइनेंस एक्ट 22 ने उसको गायब कर दिया। अब बोले अब तभी मिलेगा जब सप्लायर अपलोड करेगा। पहले क्या बोलते थे कि जैसे मैं सप्लायर हूं आप रेसिपिएंट हो, अब मैंने अपलोड नहीं करा तो इसमें आपकी क्या गलती है, आपका बिचारे का क्यों ITC रोकना चाहिए, पहले ऐसा बोलते थे। बोले देंगे कितना, जितना अपलोड करा है उसका 20% तक मिलेगा, फिर बोले 10 मिलेगा, फिर बोले 5 मिलेगा, अब उड़ा दिया, अब उड़ा दिया। वैसे एक क्वेश्चन है जिसको अब लिखा हुआ है इररिलेवेंट नाउ, मैं बताता हूं आपको कहा है। इररिलेवेंट नाउ लिखे हुआ है, ये इररिलेवेंट नाउ, अब ये हटा दिया। नवंबर 22 में ये रिलेवेंट था। रिमझिम अब ये इररिलेवेंट हो गया, ये मैंने लिखा है, समझा? हरियाणा सावास सर, फिर हमको कैसे समझ में आएगा क्या इररिलेवेंट हो गया है? अरे भाई मैंने तुमको पढ़ाया ना, उसमें लिया है सर, पर उसमें लिया है ना, हमको लग रहा है आपने नहीं पढ़ाया होगा तो आप भूल गए होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। मेरा धंधा है, मैं एक आध दिन नहीं करता, मैं हर बार करता हूं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये बात, अब ये अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसका है ही नहीं, ये क्वेश्चन है वैल्यूएशन का, और ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन आपने कर रखा है। लिस्ट प्राइस टैक्सेस लेविड बाय लोकल अथॉरिटी डिस्काउंट 2% का, याद है तुमको? पैकेजिंग एक्सपेंसेस फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होगा। फिर बोला है 5,000 की सब्सिडी मिली है NGO से, गवर्नमेंट की सब्सिडी वैल्यू में इंक्लूड नहीं होती बट NGO की होती है। 80,000 की मशीन, जो 80,000 की प्राइस है ये सब्सिडी को कंसिडर करने के बाद की है, मतलब ये 80,000 में से ये 5,000 माइनस करे होंगे। क्या NGO की सब्सिडी माइनस होती है? नहीं, वैल्यू में इंक्लूड होती है NGO की सब्सिडी, एक्सक्लूड नहीं होती है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा ₹5,000 को इसमें।
थ्री मशीन है, ये आईटीसी की डिटेल्स दे रखी है, सेम टाइप का क्वेश्चन अपन ने कर रखा है बेटा क्लास में, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, 12 मंथ तक, और इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन अपने को आगे मिल जाएंगे, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन अपने को आगे मिलेंगे, तुम चाहो तो इसको कर सकते हो एक बार, करना है, चलो ठीक है कर लेते हैं, बनाइए बैठ के इसको, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 93,400 आया। अरे नहीं, एक काम करो, इसको स्टार मार्क कर लो, इसको 5 स्टार मार्क करो, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस आईटीसी प्लस पेमेंट तीनों का मिक्सचर है, वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस आईटीसी प्लस पेमेंट तीनों का मिक्सचर है। हाँ भाई, स्टार लिमिटेड इज अ स्टार क्वेश्चन, रिमेंबर दिस, तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, आना एकदम, क्या हो गया सर को, सर ठीक तो आप, देखो 80,000 ये 6,000 टैक्सेस ऐड होते हैं जीएसटी को छोड़ के, 80 और 6 86,000 प्लस पैकिंग एक्सपेंसेस 4,000 वो भी ऐड हो जाएंगे, बराबर 80, 6, 86 और 4 90 और ये 5,000 की सब्सिडी भी ऐड हो जाएगी, प्लस 5,000 95 माइनस 2% लिस्ट प्राइस का है, 1600 माइनस, बराबर है 93,400 का सेल हो जाएगा, हाँ कि ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 93,400, ये सुनो 93,400 आएगा, ये सब्सिडी का पॉइंट ध्यान में ना, तुमको सब्सिडी अगर गवर्नमेंट से मिली तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होती, बट अगर एनजीओ से मिली है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होती है, और ये जो 80,000 हमने लिए है ये माइनस करने के बाद लिए, यहां पे लिखा है द प्राइस ऑफ 80,000 इज आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी, ये सब्सिडी को कंसिडर करने के बाद, मतलब सब्सिडी को माइनस करने के बाद, अब ये मत पूछना कि सर वहां लिखा है आफ्टर कंसिडरिंग दिस सब्सिडी और आप बोल रहे हो माइनस करा है, ये कहां से समझा, क्योंकि झंडू बाम सब्सिडी जब मिलती है तो अपन उसमें से अपनी जो प्राइस है उसमें से माइनस कर लेते हैं, तो प्राइस होंगी 85, 5,000 की सब्सिडी को कंसिडर करके माइनस करा तो लिस्ट प्राइस दिख रही है 80,000, समझा, हाँ, तो यहां माइनस करना चाहिए था क्या, नहीं है, ऐड करो देवसेना, याद है ना तुमको, नाइन्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड का आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, ये आपने सप्लाई कराए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुवरी 2020, इन्होंने 3 मशीन सप्लाई करी इंट्रा स्टेट कस्टमर को और 1 मशीन सप्लाई करी इंटर स्टेट कस्टमर को, इन्होंने परचेस करे है इनपुट्स इंट्रा स्टेट 1,20,000 के एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर सप्लाइंग द अबाउ 4 मशीन्स, तो ये मशीन्स सप्लाई करने के लिए इन्होंने ये इनपुट्स भी लिए है, परचेज भी करा है, प्लस ये आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस भी दिया है आपको, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो अपन सप्लाई कर रहे हैं ये 1 मशीन का सप्लाई है, यो बेबी, हाँ कि ना, अब ऐसी अपन ने 3 मशीन इंट्रा स्टेट दिया, 1 मशीन इंटर स्टेट दिया, समझ रहे हो, अरे झंडू हो, 93,400 की 1 मशीन है, ऐसे 3 दिया अपन ने, इंट्रा स्टेट है ना, रुको रुको एक मिनट, इसको चाल दो गोली मार, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है 93,400, अगर इंट्रा स्टेट रहा तो सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, बरोबर है क्या, ऐसी कितनी मशीन दी अपन ने, 3 मशीन दिया इंट्रा स्टेट में, इंटू 3 हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई 93,400 इंटू 3,
280,200 का 9%, 25,218 CGST, 25,218 SGST, ये अपन ने कलेक्ट करे हुआ है, ठीक है। साथ में IGST हमने कलेक्ट करे हुआ है, कितना, 93,400 की एक मशीन दिया था, उस पर 18%, कितना, 93,400 इंटू 18%, 16,812। अब बताओगे तुमको ये वैल्यू ऑफ सप्लाई 93,400 है ना, ये 70% बच्चे निकाल लेंगे, उसके बाद दम तोड़ देंगे, अरे तीन मशीन दिया, क्योंकि ऊपर जो लिखा था वन मशीन वो पढ़ा नहीं है ढंग से। अरे दिख के आ गया ना, लिस्ट प्राइस है, डिस्काउंट दिख गया, मतलब बच्चे को भी समझ गया वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, ऊपर की लाइन पढ़ाई नहीं झंडू ने, बैठा बोमलते, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा है बाबा, उसके बाद लिखा है कि भैया इसके लिए उन्होंने 1,20,000 का इंट्रास्टेट परचेस करा है, जीएसटी को छोड़ के 1,20,000 का 9% कितना हो गया, 10,800 लगाऊंगा सीजीएसटी, 10,800 ऐड कर दो, 10,800 लगाऊंगा एसजीएसटी, तो ये हो गया होगा 28,800 का सीजीएसटी का क्रेडिट, 14,800 का एसजीएसटी का क्रेडिट और 26,000 का आईजीएसटी का क्रेडिट, हो कि नहीं। तो आईजीएसटी पहले माइनस करेंगे 16,812 इसमें से, आईजीएसटी का आईटीसी कितना है, आईजीएसटी का आईटीसी कितना है, 26,000 बराबर है, 26,000 में से 16,812 एडजस्ट कर लिया, 26,000 माइनस 16,812 9,188, यस, ये पहले यूज करना पड़ेगा एसजीएसटी और सीजीएसटी में से। अपना अपना आईटीसी कितना है, सीजीएसटी का तो 28,800 है सर, सीजीएसटी अपने आप में सक्षम है, एसजीएसटी गरीब है बेचारा, 14,800 है, तो 25,218 में से 14,800 का क्रेडिट खुद का पड़ा है इसका, 14,800 का क्रेडिट खुद का पड़ा है, तो अपने को कम से कम 10,418 का यूज करना पड़ेगा आईजीएसटी का क्रेडिट, बट है सिर्फ 9,188, तो ठीक है सर, माइनस 9,188 एसजीएसटी में से यूज करा, क्यों, क्योंकि सीजीएसटी के पास अपना पूरा पड़ा है, ठीक है, आईजीएसटी खत्म हो गया, 25,218 माइनस 9,188 16,030, उसमें से क्रेडिट कितना है, 14,800, ये क्रेडिट यूज कर लिया खुद का, 1230 भरना पड़ेगा कैश में, यो, और आईजीएसटी का क्रेडिट कितना है, 28,800, वो माइनस होगा नहीं, तो 28,800 माइनस लाइबिलिटी थी 25,218, तो 3,582 क्या हो जाएगा, अगले साल कैरी फॉरवर्ड। सर ये सीजीएसटी का कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, एसजीएसटी कैश में भर रहे हो, ये इसमें यूज कर लो, नॉट अलाउड, दोनों सौतम है, क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ सीजीएसटी विथ एसजीएसटी इज नॉट अलाउड, वाओ वंडरफुल बेबी, लड़की ले जाओ, ठीक है, इसको भी लड़की चाहिए क्या, नालायक, ठीक है, चलो ना भैया नील 1230 आएगा, यो बेबी 1230 इन कैश, ये लो, कहाँ है भैया, कौन सा स्टार है ना, ये स्टार, ये अभी ये ऐसे करा है 1230 आईटीसी, ये कंप्यूटेशन, ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन, ये 65 है, कोई खास नहीं है, ठीक है, ये होमवर्क कर लो, घर पे ले लो, सिंपल है, चिंदी सी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ बड़ी है नहीं, जिम मेंबरशिप दिया, ऑब्लिगेटरी नहीं है, ट्रक परचेस्ड मिलता है, रॉ मटेरियल का मिलता है, जिम मेंबरशिप का आईटीसी नहीं मिलता, इसका मिलता है, इसका मिलता, एसी दे टन के सिर्फ एक डीलर को दिया, एल को,
50,000 पर एसी, ये कलेक्ट करा होगा ना, वो डिटेल्स दे रखी है। माँ कसम, जहर क्वेश्चन पढ़ो ये। एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर इन गुजरात हैज कैलकुलेटेड आउटपुट नेट जीएसटी आफ्टर एडजस्टिंग आईटीसी, ठीक है भैया, आउटपुट की नेट जीएसटी निकाल लिया उसने, अरे बाप रे ये अमाउंट, नहीं 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 भयंकर बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो तो सही, मैं इसको छोटा कर देता हूं, तुम पढ़ो, फुल स्क्रीन कर रहा हूं, पॉज करके पढ़ लो, आ जाओ। मिस्टर एबीसी नहीं मेसर्स नहीं एबीसी लिमिटेड है, अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन सूरत हैज कैलकुलेटेड आउटपुट नेट जीएसटी लाइबिलिटी आफ्टर एडजस्टिंग आईटीसी, ये आया क्या आपका आंसर? देखो ये ऐसा आंसर दिख रहा है तुम्हारा, ऐसा आंसर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, तो ऐसा आंसर दिखना चाहिए फिर, नहीं दिख रहा है तो ऐसा आंसर दिखना चाहिए, ऐसा नहीं मतलब ऐसे टाइप में दिखना चाहिए, ठीक है। इसको अपन बनाएंगे, पहले क्या क्या है वो पढ़े तुमने, क्या दिक्कत है उसमें बताओ, क्या दिक्कत है बताइए उसमें, क्या ये क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगना है, शादी थोड़ी करना है, लड़का थोड़ी है जो तेरे को अच्छा लगेगा पगली। हाँ, हैज कैलकुलेटेड आउटपुट जीएसटी आफ्टर एडजस्टिंग आईटीसी इन द बुक्स ऑफ द मंथ, मतलब ये जो जीएसटी लाइबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है ये आईटीसी एडजस्ट करने के बाद की है, इसका मतलब क्या है, हमने पूरे चीजों का आईटीसी माइनस करने के बाद इतना अमाउंट बचा हुआ लाइबिलिटी बोल के निकाला है, बट क्या ये अमाउंट एक्चुअल लाइबिलिटी है? नो, हमने हर इनवर्ड सप्लाई का आईटीसी माइनस कर दिया है, पर जिसका माइनस होना चाहिए तुमने माइनस करा, अच्छी बात है, उसमें कुछ नहीं करो, बट जिसका आईटीसी नहीं मिलता मतलब वो माइनस नहीं होना चाहिए, तुमने माइनस करा उसको क्या करो बच्चा, ऐड बैक करो, यो बेबी। हाँ तो बस यही दिया है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, नहीं है? अरे भाई सिंपल है, कुछ अजीब सा नहीं है। अब देखो तुमको आदत होगी सेम टाइप के क्वेश्चन की, इसमें दिमाग लगाना है, ये अमाउंट सुनो। हाँ इसलिए तो वैरायटी होती है ना, कि जीएसटी लाइबिलिटी आफ्टर एडजस्टिंग आईटीसी, आईटीसी माइनस करने के बाद का ये जीएसटी का लाइबिलिटी है, सीजीएसटी 3 लाख, एसजीएसटी 2.5 लाख, आईजीएसटी 3 लाख, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय एबीसी लिमिटेड, अब सुनो मेरी बात, द कंपनी हैज गिवन ऑन हायर 5 ट्रक्स टू वन ऑफ द ट्रांसपोर्टर ऑफ वडोदरा, कंपनी ने 5 ट्रक किराए पे दिए है, किसको? एक ट्रांसपोर्टर को, फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फॉर 10 डेज, 10 दिन के लिए दिया है, द हायरिंग चार्जेस फॉर द ट्रक वेयर 7,500 पर डे, 7,500 पर डे कंपनी ने दिया है। अब मेरे को एक बात बताओ, मिसलेनियस याद है तुमको एग्जम्पशन, ट्रक वाले को ट्रक किराए पे देना एग्जम्प्ट है, ट्रक वाले को ट्रक किराए पे देना एग्जम्प्ट है, सर स्टेट गवर्नमेंट को बस देना, लोकल अथॉरिटी को इलेक्ट्रिक बस देना, ट्रक वाले को ट्रक देना, स्कूल बस वाले को स्कूल बस देना, माफ है सर हम तो भूल ही गए थे, मैं हूं ना जिंदा तुमको याद दिलाने, तुम चिंता मत करो मैं हूं, मरा नहीं हूं अभी, ठीक है। यह अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, तो क्या इस पे जीएसटी लगा होगा? क्या इस पे जीएसटी लगा होगा? नहीं लगा होगा, क्योंकि ये एग्जम्प्टेड है। अब एग्जम्प्टेड ही है तो जीएसटी लगा ही नहीं है, तो उसका आईटीसी का कुछ हुआ ही नहीं होगा लफड़ा, हमने जीएसटी लगाया ही नहीं होगा, तो इसमें नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, समझा क्या? इस टाइप से आप, इस टाइप से शुरू करो आप जल्दी से, हाँ जल्दी से करो, क्या करना है क्वेश्चन पढ़ो तो सही, तुमने पढ़ा कहा है, क्या बोल रहे? 3,900,000 रुपए आई भैया, 90,000 नहीं पता, देखो सुनो एक चीज समझो, ये क्वेश्चन में एकदम आराम से बताया हुआ है, कुछ भी नया नहीं है, आप अगर इसको ध्यान से पढ़ते हो तो
एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, उसने अपनी आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी कैलकुलेट करी है आईटीसी वाईटीसी माइनस करने के बाद में, ठीक है। 3 लाख सीजीएसटी भरना है, 2,50,000 एसजीएसटी भरना है, 3 लाख का आईजीएसटी भरना है। उसके बाद में इसने क्या करा, जो भी इसका सेल होगा उसमें से जो आईटीसी मिलता है वो माइनस कर दिया है। इसके बाद में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन की जो एडजस्टमेंट है ये तीनों में करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, ठीक है। चलो निकालो क्वेश्चन, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। वाव सर कितने स्मार्ट हो आप, थैंक यू। अरे ऐसा नहीं है, हाँ वाव, रुक रे, क्या है ऊपर क्या दिया था, नेट आउटपुट लाइबिलिटी, ठीक है, एक था सीजीएसटी का, दूसरा था एसजीएसटी का, तीसरा था आईजीएसटी का। सीजीएसटी कितना है, 3 लाख, 2,50,000 और ये वापस से 3 लाख, ठीक है। ये इनको छोड़ के ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ट्रक दिया कंपनी ने, ठीक है ना, कंपनी हैज गिवन ट्रक ऑन हायर टू वन ऑफ द ट्रांसपोर्टर ऑफ वडोदरा। वडोदरा में कोई जीटीए है, उसको इन्होंने ट्रक किराए पे दिया, ट्रक वाले को ट्रक किराए पे देना, स्कूल बस वाले को स्कूल बस किराए पे देना, स्टेट गवर्नमेंट को बस किराए पे देना पेट्रोल डीजल वाली, या फिर लोकल अथॉरिटी को इलेक्ट्रिक बस देना एग्जम्प्टेड है, तो ये भी एग्जम्प्टेड होगा, इसका कुछ कलेक्ट नहीं करेगा वो, कुछ ट्रीटमेंट नहीं होगा। फिर कंपनी ने गुड्स बेचे हैं एक्स को 6 जनवरी 2021 को, ये कंडीशन के साथ कि भैया इंटरेस्ट लगेगा 2% पर मंथ ऑन इनवॉइस वैल्यू अगर उसने 30 दिन के अंदर डिलीवरी के पेमेंट नहीं दिया। गुड्स वेर डिलीवर्ड एंड ऑल्सो द इनवॉइस वॉज इश्यूड ऑन 6 जनवरी, 6 जनवरी को सब कुछ हो गया था, इसने 20 फरवरी को पेमेंट दिया है, 6 जनवरी से 20 फरवरी कितना दिन लेट करा बताओ, कितना दिन लेट करा? ओ हो, 6 जनवरी को करा ना, 30 डेज, 6 जनवरी से 30 दिन कितना है, 6 फरवरी, बराबर है, 6 फरवरी तक का टाइम लिमिट था, ग्रेस पीरियड था, क्रेडिट पीरियड था, इसने 20 तारीख को कराया तो कितना, 15 दिन, 15 दिन बेटा, 15 दिन, 15 दिन, ठीक है ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, पूरे 15, एक महीने का 2% तो 15 दिन का 1%, बराबर है, 5 लाख का 1% कितना हो गया, 5,000 रुपए, बराबर है। बस एक एक्स पेड द कंसिडरेशन फॉर द गुड्स अलॉन्ग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट। अब यहां पे बस एक गलती कर रखी है इन्होंने, एक गलती ये करिए कि जो 5,000 का इंटरेस्ट है ना उस पर जीएसटी अलग से लगाया हुआ है। अपन यूजुअली क्या मानते हैं, इंटरेस्ट में जीएसटी इंक्लूसिव होता है, इंटरेस्ट वैल्यू में ऐड होता है, याद है ना तुमको, वैल्यू ऑफ सप्लाई, हाँ इंटरेस्ट वैल्यू में ऐड होता। चलो ठीक है, 5,900 करा है, 15 दिन का इंटरेस्ट है अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ में पैसा दिया तो 5,000 का ही इंटरेस्ट होना चाहिए। देखो कायदे से क्या होना चाहिए, ये जो अमाउंट है आईजीएसटी का दैट शुड बी 5,000 डिवाइडेड बाई 118% इंटू 18%, क्योंकि जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो वैल्यू में इंक्लूड होता है और ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कलेक्ट किया ये माना जाता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से 763 रुपीज, 763 रुपीज का इंटरेस्ट होना चाहिए। 5 लाख इंटू 1% नहीं 2% इंटू 15 दिन अपॉन 30, ऐसा करना है अपने को। उसके वैसे जो भी चेंजेस आएंगे वो आप कर लेना। अगला पॉइंट क्या बोलता है, हे तुमको समझ में आ रहा है क्या कि लीगल सर्विसेज बड़ा फेवरेट चीज है, बार बार लीगल आ रहा है, याद रखना है, एग्जाम भी नहीं है और आरसीएम भी लगता, तो इसने लीगल सर्विसेज लिया कि दिया,
द कंपनी सॉट, सॉट मतलब लेना, ठीक है, लीगल सर्विस फॉर इट्स बिजनेस फ्रॉम ए एंड एडवोकेट अ फर्म. अरे फर्म भी दे रही है रजिस्टर्ड पर्सन को, सीनियर एडवोकेट भी दे रहा है तो भी टैक्सेबल है बिजनेस एंटिटी को. तो 1.5 लाख रुपए का लीगल सर्विसेस है, 1.5 लाख का 18% 27,000 का जीएसटी लगेगा, हाँ कि ना. और क्योंकि ये बूझ गुजरात में ही है, गुजरात का आदमी गुजरात से ले रहा है, तो 13,500 हाँ कि ना. और ये आरसीएम में है तो इसको कैश में पे करना पड़ेगा, प्लस इसका आईटीसी भी मिल जाएगा. यो बेबी, नेट आउटपुट लाइबिलिटी दिस ये बदलना पड़ेगा अपने को सिर्फ 3,07,63. ओके, आईटीसी मिल जाएगा इसका 13,500 का. और बाद में क्या लिखा है, द कंपनी ऑर्डर्ड 3,000 पैकेट्स ऑफ टूल्स विच आर टू बी डिलीवर्ड बाय द सप्लायर वाय 3 लॉट्स ऑफ 1,000 पैकेट्स मंथली. द सप्लायर रेज द इनवॉइस इन फेब्रुवरी एंड लास्ट लॉट वुड बी डिलीवर्ड इन अप्रैल. अप्रैल में आना, लास्ट लॉट जब मिलेगा तब आना आईटीसी लेने, अभी नहीं मांगो, ठीक है. कंपनी सप्लाइड 10,000 पैकेट ऑफ टूल्स टू वन ऑफ इट्स कस्टमर एट 10 रुपए पर पैकेट. आफ्टरवर्ड्स द कंपनी ने उसको रिवैल्यू कर दिया 9 रुपए पे, और कंपनी ने क्रेडिट नोट इशू करा 1 रुपए का. तो ये जो डिस्काउंट दिया है ये आफ्टर दिया है, हा कि ना, ये डिस्काउंट आफ्टर दिया है. अबे तो उसका क्या हुआ, अरे बाबा बाकी सारी चीजें ऊपर हो चुकी है, बाकी सारी चीजें ऊपर हो चुकी है. अच्छा ये भी ऊपर हो चुका है, 1,000 पैकेट्स टू वन ऑफ इट्स कस्टमर. आफ्टरवर्ड्स कंपनी ने उसको रिवैल्यू करा 9 रुपए पे और 1 रुपए के लिए क्रेडिट नोट इशू करा. तो सवाल ये आया कि कितने पैकेट्स दिए, 10,000 पैकेट 10 रुपए के. सुनो ना, 10,000 पैकेट 10 रुपए के मतलब 1 लाख का पहले इनवॉइस दिया होगा, ठीक है, उसपे का ट्रीटमेंट इसके अंदर ऑलरेडी हो चुका है. और जो 1 रुपया डिस्काउंट दिया है वो डिस्काउंट पहले नहीं दिया था, द कंडीशंस या द अग्रीमेंट फॉर डिस्काउंट डिड नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ सप्लाई. ये बाद में दिया गया था, सेकेंडरी डिस्काउंट है. तो चाहे आपने क्रेडिट नोट क्यों ना दिया हो, बट पूरे के पूरे 10 रुपए पे जीएसटी लगेगा. जो 1 रुपए का डिस्काउंट है इट विल नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई. यस और नो लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड मोर ओवर वो जो आगे वाला है कौन, रेसिपिएंट, उसको आईटीसी रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये आदमी पूरे 10,000 इंटू 10 रुपए 1 लाख पे जीएसटी लिया है इसने. तो ये 1 रुपए का जो सेकेंडरी डिस्काउंट है ये वैल्यू में से एक्सक्लूड नहीं होगा, ये लिखा है. इट शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई. इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा 3,07,63. अब यह आंसर को मैं इसलिए खारिज नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक तो क्वेश्चन में बोला है कि भैया ये एडजस्टमेंट करने के बाद है, तो जब 10,000 पैकेट ऑलरेडी दे दिए थे तो इसका अमाउंट ऑलरेडी उसमें जा चुका होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं. आप चाहो तो नोट दे सकते हो. यहां मैंने इसलिए बगावत करी 763 में क्योंकि सारा शहर जानता है इंटरेस्ट को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाता है, और यहां पे उसके अलावा कुछ और सोचने के लिए कोई पॉइंट नहीं दिया था हम. लो भाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई आरसीएम पूरी मौत आ गई हमको. इसमें बाकी कुछ समझ में आया ना आया, दो चीज पक्का समझ में है कि मास्टर ने जो बोला था लीगल सर्विसेज बहुत काम की है, ये बहुत काम की है. दूसरी बात ये भी, कौन सा, इंटरेस्ट वाला पॉइंट. प्लस हमको एक और एग्जम्पशन ध्यान में आ गया सर, कि ट्रक वाले को ट्रक दिया, बस वाले को बस दी, स्टेट ट्रांसपोर्ट वाले को बस दिया और लोकल अथॉरिटी को. एक बात बताओ, ऐसा ही तो याद रखना है कि ये पूरा लाइन याद रख सकते हो तुम, असंभव है जिंदगी में. ये क्या होगा, वर्किंग नोट का आधा मार्क कटेगा ना, पर यहां का जीरो तो नहीं मिलेगा. ये वैल्यू ऑफ सप्लाई तो बराबर फिगर आएगी, वर्किंग नोट को आधा मार्क है, इसको 3 मार्क है. पहले 3 सिक्योर करो फिर आधा सिक्योर करने की कोशिश करना. तब तक मेरा ट्रक वाले को ट्रक, बस वाले को बस चलने दो, ठीक है, स्कूल वाले को
नहीं, स्कूल बस वाले को स्कूल बस, ट्रक वाले को ट्रक, गवर्नमेंट नहीं नहीं लोकल अथॉरिटी को इलेक्ट्रिक बस। लॉजिक क्या था क्या तुमको? क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक बस तो दूसरे शहर में आने तक के तो डिस्चार्ज हो जाएंगी, फिर लोग को उतारना पड़ेगा ढाबे पे, तुम खाना खा लो तब तक हम चार्जिंग करते, ऐसा। और स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एसटी बस को आपने बस दिया, ठीक है। चलो इसके बाद में कौन से क्वेश्चन है भाई? ये वही वही क्वेश्चन है, रिपीट रिपीट, ये रॉ मटेरियल। हाँ जी, ये मैं आपको पीडीएफ ही भेज देता हूं, आप चिंता ना करो। ये एक मिनट रुक जाओ, कंपोजिशन, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है रे मेरे को, लास्ट वाला क्वेश्चन, ये इसका आप कर लो, होमवर्क ले लो इसको, अगर कुछ समझ नहीं आया तो मेरे को पूछ लेना। जियोन, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ये देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई में सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ, गवर्नमेंट का माइनस करना। अरे ये करेवा है अपन ने क्लास में, ये क्लास में करेवा है, लेट फीस 6000, ठीक है। ये भी अपन ने करेवा है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस, फ्लो प्रो याद है तुमको, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सब्सिडी रिसीव्ड, ये भी कर रखे है सारे अपन ने, लेट फीस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, वेइंग चार्जेस, ये पूरे के पूरे बुक के क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये घीसा वाला, घीसा याद है ना, ये घीसा घीसा, हाँ। फिर उसके बाद रमन, नहीं ये नहीं कराए, ये नहीं कराए, ठीक है। चलो अभी मैं एक काम करता हूं, तुमको ये पीडीएफ दो मिनट में भेजता हूं, ठीक है। ऑनलाइन जो बच्चा देख रहा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 5 मिनट में चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।